सर्वप्रथम तो मेवाड़ की इस धरा पर मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करता हूं। बोलो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। अब बताओ हाउ द जोश। गुड करे शुरू कुछ तो। सबसे पहले तो माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन, परम आदरणीय गुरुदेव को मेरा चरण स्पर्श। सर आपका यहाँ तक जो पढ़ा दिया है इसमें कुछ बातें मैं थोड़ी सी हो सकता है ऐड करूँगा, बाकी जहाँ तक बात हुई तो इसमें एक मारवाड़ी मौर्य कहावत है कि एक भण्यो पण घुण्यो नहीं। तो भण्ने वाली बात तो मैं करूँगा, घुण्ने वाली बात सर ने कर दी है। मुझे लगता है कि पढ़े के साथ साथ भण्यो पण घुण्यो नहीं, थोड़ा समझ में आयो कि नहीं आयो कि नहीं। भण्यो मतलब पढ़ियो, घुण्यो मतलब लखण। एक तो है ना कि पढ़ियो लिखियो कोई लखण नहीं हुए हुए में, तो वे में एक कहो गए कि भण्यो पण घुण्यो नहीं। तो घुण्यो जकी के वो बात तो सर ने कर ली, पूरी पूरी बात कर ली, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कर ली, आपको क्या करना है वो कर लिया। उसके बाद में आपको अपने गुरु के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति कैसा व्यवहार करना है वो सब बात कर ली। तो सर की जो बात थी उससे पहले कहें या बाद में कहें, आप जो भण्यो पण घुण्यो नहीं, तो भण्ने वाली बात जो है आपकी जो यात्रा है इसमें जो जो आर एस प्री में क्या रहता है, मेंस में क्या रहता है, इंटरव्यू में क्या रहता है, मैंने क्या गलतियां की, आपको वो गलती नहीं करनी है। एक सर ने जो कोट कहा था वो हेक्टन, हेक्टन जो क्या सर नाम था, हेक्टन, तो सर ने कहा था कि उनकी एक जो लाइन थी, इतिहास की भूलों से जो नहीं सीखता, उसके आगे मैंने ऐड किया कि उसको खुद इतिहास सिखाता है। अब बात मैं बताऊंगा कि इतिहास जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये आप गलतियां मत करना, क्योंकि ये गलतियां मैं कर चुका हूं और मैं फेल हुआ हूं। जब आप वो गलतियां, एक तो ये है कि मैं कहूं वो सीख जाओ, आप वो करो मत, फिर आप चाहो कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, हवा हवाई बातें हो रही है, इनको बुलाया तो ये बात कर रहे हैं। तो फिर एक होता है कि आप खुद गलती करो फिर उसको सीखो। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हम जो बात करेंगे उसमें जो जो कमियां मेरी रही, जो गलतियां रही उसमें हम बात करेंगे, तो उसको आप जितना हो सके फॉलो करने का प्रयास करेंगे। हाँ, एक नाम जो भूल गया, सॉरी, कर्णीपाल सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये सब सीखने की कला मुझे भी थोड़ी बांधने वाली सिखा देना। क्योंकि सर हुआ क्या है कि जैसे ट्रेनिंग सेंटर में चले, आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हो, कुछ बातें क्या है कि मैं अपना ये शायद सेशन होगा दो ढाई घंटे का प्लस जा सकता है, बोर कोई होगा तो वो बता सकता है, दो ढाई घंटे का चलेगा, है ना, पहले ही बता देता हूँ। और गुरुदेव से आग्रह रहेगा कि आप पधारना चाहें तो पधार सकते हैं, आप बैठ रहे हैं तो बैठ सकते हैं, सर से भी निवेदन रहेगा। तो आपको लगता है कि हाँ मुझे बीच में कहीं रोकना है, या फिर आपको लगता है कि सर खूब हो गया अभी तो आज के लिए, तो उस समय रोक देना, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन देखो एक बात जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको कुछ कला में पारंगत भी होना है, सिर्फ पढ़ाई रे चक्रे में नहीं घूमना है, एक दिन पूरे दिन पढ़ाई 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 पढ़ाई, है ना, बताता हूँ, उससे शुरुआत उससे करते हैं, फिर मैं बात बताऊंगा, ना अपन फ्लो में बढ़ेंगे आगे। अरे पढ़ाई करनी है वो बात नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना बात क्या है वो बता रहा हूँ। जैसे अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, है ना, ओटीएस में जो ट्रेनिंग होती है हमारी, का मार्कर ऐसे लिख लें क्या है, ओटीएस में जो ट्रेनिंग होती है, ओटीएस में जाने का सपना हर किसी का होता, पता है ना ओटीएस कहां पर है, जयपुर में है ना, जेएलएन मार्ग पे, भाई मार्कर से लिखो है, ओ टी एस, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ये पहले नाम था, अभी इसका नाम हो गया एससीएम रीपा, हरिचंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें जाओगे ना आप यहां से पढ़ के, सिर्फ पढ़ाई पे, ये बात कहां से शुरू हो रही है, साफे से, है ना। होता क्या है कि लाइफ में अपन ने क्या किया, ये जो घेरा है ना 360 डिग्री का,
इसमें आप पढ़े ही पढ़े, ठीक है, आप सिर्फ पढ़े ही पढ़े तो मेरे जैसी हाल होगी, क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं इन गतिविधियों में। पढ़ाई के साथ मैं नौकरी भी किया, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो गतिविधियां होती है, जैसे किसी दोस्त का बर्थडे आया, आपको डांस आता नहीं है तो आप देखते रहो, तो एक तो ये कि कभी थोड़ा क्या कहते हैं, किसी कला में आप पारंगत हो, है ना। ये गर्ल्स के साथ में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बॉयज के साथ में बहुत ज़्यादा होती है। आपको डांस करना नहीं आता, फिर आप बैठ रहे होगे वहाँ, लोग तो सब डांस कर रहे हैं, आप उनका मुंह देख रहे हो, है ना। फिर आपको कोई गाना गाने के लिए बुला रहा है तो आपको कुछ आता नहीं है, तो आप फिर वहाँ दिक्कत होगी। तो कोई ऐसी कोई कला में आप पारंगत हो, तो जैसे मेरे को सांप बांधना आता तो मैं दे साफा सबको भाई बांध दिया कि इधर आजा भाई तेरे सांप बांध दो आजा। तो एक कला में, कोई भी कला में आपको पारंगत होना है, ये भी पढ़ाई के साथ साथ आपको ध्यान रखना है। 360 में से ये इतना हिस्सा है ना, ये एक्स्ट्रा करिकुलम का है भाई। पढ़ पढ़ के माता भन भन कर रहा है, क्या करोगे भाई। किसी को डांस वगैरह आता है तो कमरे में बैठा था, डांस की स्टेप कर लिए, कुछ गाना आ रहा है तो गाना गुनगुला लिया, है ना। तो ये इतना सा उसके लिए भी रखना है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, यार सेट नहीं हो रहा साफ, मैं चाह रहा हूँ मजा आ रहा है साफ, मतलब ऐसे पढ़ाने में। आवाज आ रही, मैं इसलिए पहन के खड़ा हूं कि आपको भी लगेगा ना कि यार हम कब आ रहे हैं ऐसे सब पहन के। हेलो, हेलो, आवाज आ रही, हेलो। अब जैसे भी आवाज आ जाएगी या तो मैं जोर से बोल दूंगा, अब साफ तो उतरेगा नहीं, ये तो नहीं उतरूंगा। अरे यार, मतलब कितना अच्छे से मेहनत करके उन्होंने पहनाया है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे मेरी इच्छा ही है, मेरा ही पर्सनल ओपिनियन है, चला ऐसे लग रहा है कि शादी हो रही है अभी थोड़ी देर में तो। मतलब आप तो तैयार हो जाओ बेटा, तो चलो देखो, एक मतलब एक शादी का मतलब एक खुशी का मोमेंट होता है ना आपका। ठीक, हेलो, आवाज आ रही, हाँ अब ठीक है, अब जाएगा रंग, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ी देर में है ना, एक तो होता है कि मेरा भी थोड़ा इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ, दो तीन बातें जो क्लियर कर दूं पहले ही। ये बातें अभी तो आपके दिमाग में नहीं आ रही है क्योंकि मेरा अभी शुरू ही मैं कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बातें आनी शुरू हो जाएगी, क्या क्या हो सकती है बातें, ये सब हवा हवाई बातें हैं, ये फेंक रहे हैं, है ना। तो जो बातें हैं वो सब धरातलीय हैं और जमीन से जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक्सपीरियंस की है, इसमें कोई फेंका फेंकाने का नहीं है, सब कुछ बातें हैं वो मैंने मेरे लाइफ में देखी है, इसलिए वो बात करेंगे। तो दिमाग में किसी के आए तो बता देना, है ना, मैं उसका हाथों हाथ इलाज कर दूंगा, मतलब इलाज मतलब वो कन्फ्यूजन होगा तो दूर कर दूंगा कि कैसे क्या हुआ था, क्यों फेंक ही नहीं रहे हैं, जो फेंकता है उससे इलाज नहीं हो, हम फेंक रहे ही नहीं है ना, हम तो जो बात है वो बता रहे हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, ये बात तो पूरी होगी ना, सभी को एक एक कुछ न कुछ सीखना है, वहां ओटीएस में जाओगे तो फिर वहां कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वहां ट्रेनिंग में क्या पढ़ाई कम करनी होती है, मौज ज्यादा करनी होती है, मौज ही मौज है। मैं वहां अभी 3 महीने करके आया, पहले हम IGPRS में थे, जो वहां पर BDO की ट्रेनिंग होती है, तो हम सिक्किम घूम के आए 7 दिन, तो है ना, सिक्किम मतलब वादियों में, मतलब कहते हैं मौज हो गई है ना, अभी सर कह रहे थे ना आप जब रोटी खा रहे हो तो पॉइंट दिखे, मतलब सिक्किम का नाम लेते मुझे सिक्किम दिख रहा है, ऐसे बाई प्लेन जा रहे हैं, बाई प्लेन आ रहे हैं, सरकारी खर्चे से पूरा, मतलब लाइफ आपकी मतलब सच में यार मजा आ जाता है। और OTS में क्या है,
ओटीएस में आपको पढ़ना कम है, जो वहां जाके पढ़ गया वो बाद में मतलब ऐसे पछताता ही रहता है। लाइफ में साढ़े 3 महीने तो मिले थे मजे करने के, उसमें भी मैं पढ़ता रहा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद में आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा सब पास हो जाते हैं, फेल भी होते हैं कोई इश्यू नहीं है ना, बाद में जब दोबारा पेपर होता है तो उसमें पास कर देते हैं। तो सीधा आप ओटीएस पहुंच गए ना, तो मैं ये चाहता ही हूं कि यार यहां आए हो तो एक टारगेट रखो, एक कितने हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में है, नहीं सेकेंड ईयर तक कौन कौन है? आवाज नहीं आ रही, सेकेंड ईयर तक कौन कौन है? नहीं आपने हाथ ऐसे ऊपर किया या ऐसे ऐसे किया कि मतलब मैंने सोचा कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सेकेंड ईयर ठीक है, फर्स्ट ईयर में? अच्छा ठीक है, फाइनल में? ये भी ठीक ठाक संख्या, और फाइनल करके ही आगे? अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। सभी को अपना अपना एक टारगेट डिसाइड करना है, वो है आरएस। देखो आरएस में मैं बता दूं कि आरएस में आना सरल है, व्यक्ति आरएस की परीक्षा का फॉर्म भरता है अपनी मर्जी से, और व्यक्ति आरएस की भर्ती से यदि बाहर होना चाहे तो उसकी मर्जी नहीं है, वो तो फिर आरपी मतलब उम्र सीमा ही बाहर हो जाए, या फिर उसके बार बार कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है कि पार नहीं कर पा रहा, बाकी वो बार नहीं हो सकता, उसको मुक्ति मिलेगी नहीं साले। वो होता है क्या है कि बार बार आरएस भर्ती आते ही तो उसके मतलब एकदम खून में एक नई उबाल आ जाएगा कि भाई जैसे किसने 4 अटेम्प्ट दिए। मैं चाह रहा हूँ भगवान की दया से ऐसा किसी के साथ नहीं हो कि 4-4 अटेम्प्ट देना पड़े, इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि 4 अटेम्प्ट दिए और वो कहे कि अब की बार मैं फॉर्म नहीं भरूँ, जैसे ही भर्ती आई यार एक बार और भरता हूँ, क्योंकि वो आरएस चीज ही ऐसी, आप एक बार आ गए तो आपको मुक्ति तब मिलेगी जब भरोगे, इससे बढ़िया यार क्यों भुगतना भाई, मुक्ति पाओ ना एक एक अटेम्प्ट में पहले में। चलो मेरा परिचय है, नाम लिखा हुआ था ही हनुमान राम है नाम, हनुमान राम ठीक है। 12th किया 2006 में, दो हजार छह डेट ऑफ बर्थ है क्या किसी का, आसपास कोई है क्या? 2004 है। अच्छा आप उस समय 2 साल के थे ना, मैंने 12वीं कर लिया था ठीक है। 12th किया 2006 में, परसेंटेज थे 80 पॉइंट, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको कैसे बोलते हैं, 92। अरे परसेंटेज की कोई कमी रही नहीं, देखो 10वीं मेरे थे 82.5 और 8वीं थे 82.83, परसेंटेज की कोई कमी थी नहीं, शुरू से ही ठीक ठाक रहा मामला इसमें। तो मतलब ये बात कर रहा हूं 2006 की, उस समय मैं कट ऑफ ये रिजल्ट रहते थे 50%, बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ठीक ठाक थे शुरू से ही। लेकिन अब मैं एक बात बताऊंगा, वो सब पे तो नहीं, कईयों पे लागू हो जाएगी। आपके जो परसेंटेज होते हैं उसके आधार पर आप क्या बनोगे ये डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है आपकी पारिवारिक परिस्थिति पर, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी है उसके बाद डिसाइड होगा कि आप आगे क्या करोगे। 80.92% होने के कारण मेरा BSTCM सिलेक्शन हुआ, उस समय STC कहते थे डाइट से, बाद में डाइट से सिलेक्शन हुआ मेरिट बेस पे, 1 साल मैंने STC किया और उसके बाद में 2008 में जो जिला सिरोही से वैकेंसी थी ऑल राजस्थान में 1500 या 2500 ऐसा कुछ था, 1300 कांस्टेबल की वैकेंसी आई, मुझे उस समय सख्त जरूरत थी नौकरी की और उसमें मैं सिरोही से सेलेक्ट हो गया। 2008 में 12th करके कांस्टेबल बना था, एक किसी के दिमाग में ये हो कि यार 10 साल में तो क्या, 10 साल में तो हम रैंक लाए फर्स्ट, ये तो लाए 76। तो मैं बता दूं 10 साल की यात्रा में मेरा 2008 में सिलेक्शन हुआ, 2009 में ट्रेनिंग की, 2012 में मेरा BA हुआ,
बीए मैंने एमएलएसयू से किया, इसमें थे 67 कुछ, प्राइवेट किया, पुलिस में रहते हुए किया। उसके बाद मैं 2 साल देखा माहौल मैंने कि आरएस की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए। 2015 में मैं जयपुर कमिश्नरेट में चला गया, के बाद में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, पहला अटेम्प्ट जो भी था, फिर दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट 2018 था, दूसरा 2016 था, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में मुझे इतना ना तो गाइडेंस था, ना मैंने गाइडेंस लिया इतना, उस समय इतनी हकीकत है कि इतना पता भी नहीं था, तो ऐसे ही देके आए और 380 की कट ऑफ थी और मेरे 340 ऐसे कुछ थे। मैंने कहा अरे हम कर सकते हैं, ये होता कॉन्फिडेंस। 16 दिया, 16 की मार्कशीट एक बार बताओ, यहां 100 हो जाएगी, करो। 3 कभी नहीं अटका मेरा, 13 और 16 में मेरा मेंस अटक गया था, ये परमानेंट लगा ही दो ना, चलता रहेगा उधर, है ना, सब डाल दो, पूरी फाइल डाल दो ना। ये तो अभी वाली है, 3 भेजी, 3 जो भी ऐसे लगे कि यार पकड़ रहा हूं तो वो जा सकते हैं, है ना। अरे क्या पकड़ना है, मजा आ रहा है यार, बात हो रही है आरएस की, हो रही है आरएस आपको बनना है, ये नहीं, इससे पहले वाले। एक और थी ना, नहीं दोबारा भेज दो, 2016 वाली मार्कशीट बताऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात नहीं, बात नहीं भाई, बात नहीं, पुलिस में रहा हुआ हूं, अनुशासन बहुत प्रिय है मेरा। 10-11 साल जब पुलिस में व्यक्ति रह जाता है तो वो ढल जाता है, आया गाना गुनगुला लिया, है ना, तो ये इतना सा उसके लिए भी रखना है, ठीक। अब बात करते हैं आगे, यार सेट नहीं हो रहा साफ, मैं चाह रहा हूँ, मजा आ रहा है साफ, मतलब ऐसे पढ़ाने में। आवाज, इस आवाज आ रही, मैं इसलिए पहन के खड़ा हूं कि आपको भी लगेगा ना कि यार हम कब आ रहे हैं ऐसे साफ पहन के। हेलो, हेलो, आवाज आ रही, हेलो, अब जैसे भी आवाज आ जाएगी या तो मैं जोर से बोल दूंगा, अब साफ तो उतरेगा नहीं, ये तो नहीं उतारूंगा मैं। कितना अच्छे से मेहनत करके उन्होंने पहनाया है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे मेरी इच्छा है, ये मेरा ही पर्सनल ओपिनियन है, साला ऐसे लग रहा है कि शादी हो रही है अभी थोड़ी देर में तो। मतलब आप तो तैयार हो जाओ बेटा, तो चलो देखो, एक मतलब एक शादी का मतलब एक खुशी का मोमेंट होता है ना आपका, ठीक। हेलो, आवाज आ रही, हाँ अब ठीक है, अब जाएगा रंग, ठीक है, चलो ठीक है। थोड़ी देर में ना, एक तो होता है कि मेरा भी थोड़ा इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ, 2-3 बातें जो क्लियर कर दूं पहले ही, ये बातें अभी तो आपके दिमाग में नहीं आ रही है क्योंकि मेरा अभी शुरू ही मैं कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बातें आनी शुरू हो जाएगी, क्या क्या हो सकती है बातें, ये सब हवा हवाई बातें हैं, ये फेंक रहे हैं, है ना, तो जो बातें हैं वो सब धरातलीय हैं और जमीन से जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक्सपीरियंस की है,
इसमें कोई फेंका फेंका ना का नहीं है, सब कुछ बातें हैं वो मैंने मेरे लाइफ में देखी है इसलिए वो बात करेंगे। तो दिमाग में किसी के आए तो बता देना है ना, मैं उसका हाथों हाथ इलाज कर दूंगा, मतलब इलाज मतलब वो कंफ्यूजन होगा तो दूर कर दूंगा कि कैसे क्या हुआ था। क्यों फेंक ही नहीं रहे हैं, जो फेंकता है उससे इलाज नहीं हुआ, हम फेंक रहे ही नहीं है ना, हम तो जो बात है वो बता रहे हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, ये बात तो पूरी हो गई ना, सभी को एक एक कुछ न कुछ सीखना है। वहां ओटीएस में जाओगे तो फिर वहां कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, वहां ट्रेनिंग में क्या है पढ़ाई कम करनी होती है, मौज ज्यादा करनी होती है, मौज ही मौज है। मैं वहां अभी 3 महीने करके आया, पहले हम IGPRS में थे जो वहां पर वीडियो की ट्रेनिंग होती है, तो हम सिक्किम घूम के आए 7 दिन, तो है ना सिक्किम मतलब वादियों में, मतलब कहते मौज हो गई है ना। अभी सर कह रहे थे ना आप जब रोटी खा रहे हो तो पॉइंट दिखे, मतलब सिक्किम का नाम लेते मुझे सिक्किम दिख रहा है, ऐसे बाई प्लेन जा रहे हैं, बाई प्लेन आ रहे हैं, सरकारी खर्चे से पूरा, मतलब लाइफ आपकी मतलब सच में यार मजा आ जाता है। और OTS में क्या है, OTS में आपको पढ़ना कम है, जो वहां जाके पढ़ गया वो बाद में मतलब ऐसे पछताता ही रहता है। लाइफ में साले 3 महीने तो मिले थे मजे करने के, उसमें भी मैं पढ़ता रहा कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, उसके बाद में आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा सब पास हो जाते हैं, फेल भी होते हैं कोई इश्यू नहीं है ना, बाद में जब दोबारा पेपर होता है तो उसमें पास कर देते हैं। तो सीधा आप OTS पहुंच गए ना, तो मैं ये चाहता ही हूं कि यार यहाँ आए हो तो एक टारगेट रखो, एक कितने हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में, नहीं सेकेंड ईयर तक कौन कौन है, आवाज नहीं आ रही, सेकेंड ईयर तक कौन कौन है, नहीं आपने हाथ ऐसे ऊपर किया या ऐसे ऐसे किया कि मतलब मैंने सोचा कि आवाज नहीं आ रही है। अच्छा सेकंड ईयर ठीक है, फर्स्ट ईयर में अच्छा ठीक है, फाइनल में ये भी ठीक ठाक संख्या, और फाइनल करके ही आगे, अच्छा अच्छा ठीक ठीक है। सभी को अपना अपना एक टारगेट डिसाइड करना है, वो है RS। देखो RS में मैं बता दूं कि RS में आना सरल है, व्यक्ति RS की परीक्षा का फॉर्म भरता है अपनी मर्जी से, और व्यक्ति RS की भर्ती से यदि बाहर होना चाहे तो उसकी मर्जी नहीं है, वो तो फिर RP मतलब उम्र सीमा ही बाहर हो जाए, या फिर उसके बार बार कहीं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है कि बाहर नहीं कर पा रहा, बाकी वो बाहर नहीं हो सकता, उसको मुक्ति मिलेगी नहीं साले। वो होता है क्या है कि बार बार RS भर्ती आते ही जो उसके मतलब एकदम खून में एक नई उबाल आ जाएगा कि भाई जैसे किसने 4 अटेम्प्ट दिए, मैं चाह रहा हूँ भगवान की दया से ऐसा किसी के साथ नहीं हो कि 4-4 अटेम्प्ट देना पड़े, इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ कि 4 अटेम्प्ट दिए और वो कहे कि अब की बात मैं फॉर्म नहीं भरूँ, जैसे ही भर्ती आई यार एक बार और भरता हूँ, क्योंकि वो RS चीज ही ऐसी, आप एक बार आ गए तो आपको मुक्ति तब मिलेगी जब भरोगे, इससे बढ़िया यार क्यों भुगतना भाई, मुक्ति पाओ ना एक अटेम्प्ट में पहले में। चलो मेरा परिचय है, नाम लिखा हुआ था ही हनुमान राम है, नाम हनुमान राम ठीक है। 12th किया 2006 में, दो दर्द से डेट ऑफ बर्थ है क्या किसी का आसपास कोई है क्या है? 4/2004 है, अच्छा आप उस समय 2 साल के थे ना, मैंने 12वीं कर लिया था ठीक है। 12th किया 2006 में, परसेंटेज थे 80 पॉइंट, पॉइंट के बाद जो संख्या होती है उसको कैसे बोलते हैं, 92, अरे परसेंटेज की कोई कमी रही नहीं, देखो 10वीं मेरे थे 82.5 और 8वीं थे 82.83, परसेंटेज की कोई कमी थी नहीं, शुरू से ही ठीक ठाक रहा मामला इसमें, तो मतलब ये बात कर रहा हूँ 2006 की, उस समय मैं कट ऑफ ये रिजल्ट रहते थे 50%, बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ठीक ठाक थे शुरू से ही। लेकिन अब मैं एक बात बताऊंगा, वो सब पे तो नहीं, कईयों पे लागू हो जाएगी, आपके जो परसेंटेज होते हैं उसके आधार पर आप क्या बनोगे ये डिसाइड नहीं होता, वो डिसाइड होता है आपकी पारिवारिक परिस्थिति पर, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां कैसी है,
उसके बाद डिसाइड होगा कि आप आगे क्या करोगे। 80.92% होने के कारण मेरा BSTC में सिलेक्शन हुआ। उस समय STC कहते थे, डाइट से, बाद में डाइट से सिलेक्शन हुआ मेरिट बेस पे। एक साल मैंने STC किया और उसके बाद में 2008 में जो जिला सिरोही से वैकेंसी थी, ऑल राजस्थान में 1500 या 2500 ऐसा कुछ था, 1300 कांस्टेबल की वैकेंसी आई। मुझे उस समय सख्त जरूरत थी नौकरी की और उसमें मैं सिरोही से सेलेक्ट हो गया। 2008 में 12th करके कांस्टेबल बना था। एक किसी के दिमाग में ये हो कि यार 10 साल में तो हम रैंक लाएं फर्स्ट, ये तो लाए 76। तो मैं बता दूं, 10 साल की यात्रा में मेरा 2008 में सिलेक्शन हुआ। BA मैंने MLSU से किया। इसमें थे 67 कुछ, प्राइवेट किया, पुलिस में रहते हुए किया। उसके बाद में 2 साल देखा माहौल मैंने कि RS की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, फिर मुझे लगा कि जाना चाहिए। 2015 में मैं जयपुर कमिश्नरेट में चला गया। 2015 के बाद में मैंने पहला अटेम्प्ट जो भी था, फिर दूसरा अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट 2018 था, दूसरा 2016 था, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में मुझे इतना ना तो गाइडेंस था, ना मैंने गाइडेंस लिया इतना, उस समय इतनी हकीकत है कि इतना पता भी नहीं था, तो ऐसे ही देके आए और 380 की कट ऑफ थी और मेरे 340 ऐसे कुछ थे। मैंने कहा अरे हम कर सकते हैं, ये होता कॉन्फिडेंस। 16 दिया, 16 की मार्कशीट एक बार बताओ, यहां 100 हो जाएगी, करो। प्री कभी नहीं अटका मेरा, 13 और 16 में मेरा मेंस अटक गया था। ये परमानेंट लगा ही दो ना, चलता रहेगा उधर, है ना, सब डाल दो, पूरी फाइल डाल दो ना। ये तो अभी वाली है, तीन भेजी। जो भी ऐसे लगे कि यार पकड़ रहा हूं तो वो जा सकते हैं, है ना। अरे क्या पकड़ना है, मजा आ रहा है यार, बात हो रही है RS की हो रही है, RS आपको बनना है, ये नहीं। इससे पहले एक और थी, नहीं दोबारा भेज दो। 2016 वाली मार्कशीट बताऊंगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बात नहीं भाई, पुलिस में रहा हुआ हूं, अनुशासन बहुत प्रिय है मेरा। 10-11 साल जब पुलिस में व्यक्ति रह जाता है तो वो ढल जाता है। अनुशासन सबसे ऊपर है, सम्मान, गुरुजी के प्रति सम्मान हो, माता पिता के प्रति हो, किसी के प्रति सम्मान, वो सबसे ऊपर है हमारा। पुलिस कांस्टेबल के लिए सभी अधिकारी होते हैं और हमारा उसमें RPR में लिखा हुआ है, राजस्थान पुलिस रूल्स में, कि आपसे जो उच्च अधिकारी होगा उसका सम्मान करना आपकी ड्यूटी है। तो रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन सबसे ऊपर है, तो आपसे निवेदन रहेगा इसमें सहयोग करेंगे। और ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है भाई, मिल गई क्या, फिर लगाओ। चलो भाई हो जाओ शुरू। ये है 2016 की मार्कशीट मेरी मेंस की, ठीक है। पहले मैं 83, दूसरे में 45 होने चाहिए भाई, 72 तो होने चाहिए ना। यदि RPC ये रूल्स कर देना कि कम से कम 36 नंबर तो लाना ही है, तो कई मेरे जैसे तो पास ही नहीं हो, वैसे ही नहीं हुआ था इसमें तुम्हें, तो इसमें रहे 45। इसमें मैथ थी,
इसमें ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी नहीं थी, नहीं थी ज्योग्राफी, मैथ और साइंस। ज्योग्राफी जैसे सर को डर लगता था वैसे मुझे भी डर लगता है, मतलब कभी मजा आया ही नहीं ज्योग्राफी पढ़ने में मुझे। जैसे ज्योग्राफी, हाँ मेरे पास में ज्योग्राफी की जितनी भी किताबें थी आसपास, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, ऐसे सब ले आया मैं, ला ला के किताबें मैंने इकट्ठी की, लेकिन पढ़ा नहीं। 45 थर्ड पेपर में 90 थे और फोर्थ में 100 थे, 318 मेरे मार्क्स थे, कट ऑफ थी 327, मतलब कितने नंबर है, 9 नंबर। और यहां मेरा क्या स्कोर है, 45। तो इतना कठिन आरएस है नहीं, मैं ये बात ये समझाना चाह रहा था, इतना आरएस कठिन है नहीं। आप 45 मार्क्स आ रहे हैं फिर भी 9 नंबर से पीछे रह रहे हैं ना, समझ रहे हो ना बात को, मतलब आपका इससे दो तीन बातें क्या सीख सकते हैं। पहली बात सीखनी है वो है टेस्ट सीरीज, क्या है टेस्ट सीरीज, आपको देनी ही देनी है, बिल्कुल ही एक भी टेस्ट सीरीज छोड़नी नहीं है आपको। मैं टेस्ट सीरीज क्यों देना नहीं गया, अभी जो नहीं दे रहे हैं वो भी यही पता है उनको, अभी मैं बात कहूंगा तो उनके अंदर से आवाज आएगी, रे सर क्या कही है बात, मतलब यही हम करते हैं। टेस्ट सीरीज में नहीं देने के दो कारण है, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, जिंदगी में कभी होगी नहीं पूरी तैयारी, तो मैं लिख के दे दूं, आप चाहे कितना ही कर लो कि तैयारी पूरी हो गई, वो तो उस दिन जाके आप पेपर दोगे ना तो अरे ये तो मतलब मेरे को ये भी आ रहा था। तो कई ऐसी बातें जो आ ही रही आपको, लेकिन आप चाहो कि पूरी तैयारी हो जाए फिर दूं, वो तो होनी नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से पूरा करना। नंबर दो, मेरी रैंक क्या लगेगी, आपकी रैंक वही लगेगी जो आप ठीक ठाक लिखोगे, ठीक लग जाएगी, नहीं तो कम लगेगी, पर आपको पता तो चले रैंक क्या लगेगी। एक होता है यूस्ट्रेस, वो है ना तनाव प्रबंधन में है, एक होता है यूस्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। इसमें यूस्ट्रेस क्या होता है कि आपके मार्क्स कम आए तो आप उसको पॉजिटिव लेंगे कि यार मैं पढ़ा नहीं इसलिए मार्क्स कम आए। डिस्ट्रेस ये होता है कि यार मेरे ही कम क्यों आए, मैं क्या मैं गधा हूं बाकी सब ठीक है। तो स्थिति यह है कि आपको यू स्ट्रेस में रहना है कि यार मैंने जितना पढ़ा था ना वो तो मैं शानदार करके आया, और जो मैं पढ़ा ही नहीं तो वो मैं नहीं कर पाया, तो अगली बार मैं जब टेस्ट दूंगा तो ये करके जाऊंगा। लिखो लिखो, नंबर एक, टेस्ट सीरीज नहीं छोड़ेंगे, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ेंगे, ये अक्षरों में लिखो, लाल अक्षर में लिखो, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि, लिखो, मैं शपथ लेता हूं कि, मैं शपथ लेता या लेती हूं कि, मैं शपथ लेता हूं कि टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज में प्री और मेंस दोनों लिखो, प्री और मेंस दोनों लिखो, मैं शपथ लेता या लेती हूं कि टेस्ट सीरीज कोष्टक, छोटा कोष्ट ये कोष्टक, प्री और मेंस, प्री एंड मेंस कोष्टक बंद, ठीक है, प्री और मेंस का एक भी टेस्ट, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। अब नीचे लिखो, चाहे मेरे नंबर कुछ भी आए, जैसा गुरुदेव बता रहे थे, मैं सर से मिला था जयपुर में, तो मैं ऐसे पुलिस में था, तो ऐसे हमारी ये वो क्या कि पुलिस में ऐसे किसी को पता चल जाए ना कि पढ़ रहा है तो उसकी रेल बनाते हैं पूरी, मतलब दे ड्यूटी उसको, मतलब आया ड्यूटी, आया वापस ड्यूटी से फुल ड्यूटी उसकी। तो मेरे को जैसे टाइम मिलता तो मैं ऐसे कोचिंग में जाता था, एक तो अपने यहाँ लोकेंद्र सर आते हैं ना, लोकेंद्र सर के लिए तालियां हो जाएं, लोकेंद्र सर ने
लोकेंद्र सर ने मेरे को फ्री कर रखा था ऐसे यूं कि हनुमान तू ऐसे कर, तेरी जो इच्छा हो ना, जब तेरा मन हो कि यार साइंस पढ़ने जाना है, तू आ जाएगा, क्लास चल रही होगी तू पढ़ ले जा। फिर मेरे को सर ने ऐसे कहा कि तू एक काम कर, मेरे यहाँ जो भी क्लास लगे तू सब में आ जाया कर, तेरे को टाइम मिले तो। फिर भाटी सर की क्लास थी तो उसमें भी आया, मुझे पढ़ने में आता था मज़ा, क्योंकि मैं ऐसे छूट के आता था ना, मतलब ड्यूटी छूटा और फिर मेरा कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना, पढ़ता बिल्कुल जच के, मुझे लगा कि हाँ ये सर ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सर के पीछे पीछे मैं उदयपुर आया, हम कितने 10 ही दिन आए थे यहाँ लाइब्रेरी में, मैं ऊपर यहाँ लाइब्रेरी है उधर, कहाँ है वो लाइब्रेरी, सेक्टर 4 में, हम लाइब्रेरी में सोते, सुबह स्नान किया और क्लास में गए, ऐसे 10-12 दिन की क्लास हुई, मैं वापस निकल गया। अभी बताऊंगा मैम उसकी क्लास का फ़ायदा क्या हुआ। देखो बड़ाई गुरु गुरु की बड़ाई एक होती है, एक तो कि उनके बारे में ऐसे बात कर दी और आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ बताऊंगा। इकोनॉमिक्स मैंने सर से पढ़ी थी, मैं प्रूफ बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर मैंने एथिक्स के बारे में कुछ बातें, फिर उत्तर लिखना कैसे है वो मैंने पढ़ा था, उत्तर मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल ऐसे डिट्टो याद है। मैं ऐसे क्लास में बैठा था, सर ने बताया प्रत्यायोजन क्या होता है पबेड में, फिर बताया कि ऐसे ऐसे लिखना है, फिर मैं ऐसे ऐसे लिख के आया था, फिर मेरे अच्छे नंबर आए थे, मैं बता दूंगा ठीक है। तो फिर मैं एक दिन मेरा ऐसे बैठा था तो मैंने कहा यार क्या करें, छोड़ा कि कॉपियां तो आ गई, अपना तो बंटाधार हो गया, क्या करें यार। सर को मैंने मैसेज दिखा, सर का रिप्लाई आया, सर क्लास रहती थी, सर का रिप्लाई आया कि हाँ हनुमान ऐसे करो आप यार उदयपुर आ जाओ। मैंने हाँ उदयपुर क्या, मैं जैसलमेर आ सकता हूँ क्या है। मैंने किसी का लैपटॉप कबाड़ा, लैपटॉप मेरे पास में था नहीं, किसी का लैपटॉप लिया, उसमें एक मेरा दोस्त था मेरे साथ रहता था, उसमें कॉपी ली, मैं सीधा उदयपुर आया। सर क्लास ले रहे थे, क्लास के बाद में सर मिले मुझसे, मुझे टाइम दिया मेरा, फिर मैं नाइट में वापस निकल गया और सुबह मेरी ड्यूटी रहती थी, ड्यूटी पे चला गया। तो ये मैं एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि यार डेडिकेशन हो ना तो कुछ भी असंभव नहीं है, आपका डेडिकेशन सबसे बड़ी बात है। अभी शपथ लेता हूँ, लिख दिया ना, मैं शपथ लेता हूँ कि टेस्ट सीरीज में प्री और मेंस में से एक भी टेस्ट नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, चाहे मेरे नंबर कुछ भी आए, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल ही। हाँ कोई बिल्कुल अर्जेंट काम हो जाए तो बात अलग है, अर्जेंट काम में आप क्या अर्जेंट में डालते हो तो वो आपकी इच्छा पर है। अब ये कोई काम नहीं है अर्जेंट की, यार रात को लेट सोया था, सुबह जगा ही नहीं, तो ये अर्जेंट कोई काम में नहीं है। चलो भाई एक तो ये हो गया, एक कंटिन्यूटी आप बराबर रखेंगे, आपको जो पढ़ाया है उसको आपको पढ़ना है बराबर लगातार, कंटिन्यूटी नहीं छूटनी चाहिए। पुलिस में मैं रहा लेकिन कुछ भी हो 6 से 7 घंटे पढ़ना मतलब पढ़ना ही है। कैसे पढ़ना, मैं ड्यूटी पर गया नाइट में तो नाइट में पढ़ा, कैसे भी मैं वो दुखड़ा नहीं गा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यार कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उसके अंदर यदि है पढ़ने की ललक तो वो पढ़ लेगा, बाकी बहाने हजार है कि मन है तो ढोनी पढ़ने दे, ढोनी वाला काम मेरे कहना करा, तेरा तो लखाणी है तू काम कराता हो तू पढ़ तो नहीं हो देना, सही है कौन भाई। कोई यदि पढ़ रहा है घर में दिए कौन बिंग रुणा दीजिए बिंग सुर तू दीजिए कि यार सुर कितो पढ़े, मतलब बेटी कितो पढ़े या बेटो कितो पढ़े, है देन तो मोबाइल माँ तो घात उड़ा के एन पचे के मन पढ़ने को देन पढ़ने की कौन दे देन बन ध्यान है वो पढ़े है कौन। तो जब आप खुद पढ़ना शुरू कर दोगे, समझ में नहीं आया, अभी मेरे द्वारा जो शुद्ध मारवाड़ी में वाक्यांश बोले गए थे उसका हिंदी रूपांतरण इस प्रकार है, ठीक है, ये था कि आपके जो पढ़ाई के जो लक्षण होंगे ना, घर वालों को दिख जाएंगे ना कि मेरा बेटा और बेटी पढ़ रहे हैं, तो आपको वो घर का काम नहीं बताएंगे कि भाई वो कर हैं, लेकिन आपके लक्षण ही ऐसे लक्षण ऐसे होंगे तो वो आपको ही कहेंगे चाय बना ला, रोटी बना दे, उसको ये कर दे, तो आपने दिखना चाहिए कि हाँ पढ़ रहा है भाई। फिर मेरे में भी दिखा, पुलिस मेरे जो SHO थे उनको दिखा कि यार ये छोरा ठीक ठाक पढ़ रहा है, फिर मेरे साथ में अच्छे से क्या कहते हैं ड्यूटी का ठीक मैनेज कर दिया, तो 18 में इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं कह रहा हूँ दिख जाता है, अब मैं छुट्टी मांगने जाता तो चुपचाप जाता है, ऐसे गाय की तरह खड़ा रहता सर मुझे RS करनी है। फिर आपके पास में प्री की मार्कशीट भी तो रहती है, ऐसे सबूत रहता है ना कि सर बिल्कुल पिछली बार 45 नंबर यहाँ आए थे,
नौ नंबर से मैं रहा था। फिर मेरे नेक्स्ट वो मार्कशीट दिखाओ, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ फिर ठीक, मार्कशीट कैसे आएगी? किधर से? अच्छा 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 ठीक 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 ये तो वो है। हाँ फिर मेरे जो बॉस थे उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। देखो विश्वास है ना, किसी का भी हो तोड़ो मत। अब आपका मम पापा का आप पर विश्वास है यार, यहाँ आ रहे हो आप, पढ़ाई करने आ रहे हो, बाकी किस लिए आ रहे हो भाई? विश्वास है तो है। मेरा विश्वास, मेरे पर विश्वास था कि यार ये ठीक कर रहा है तो इसकी ड्यूटी ठीक ठाक लगाएं। फिर मैंने पढ़ाई की, 123 मार्क्स। अरे यार सही है सब कुछ, क्यों कट रहा भाई? आरपीसी की तरफ से है पता है यार, दोबारा कर। हाँ एक थोड़ा टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक करो हाथ अपना सभी। हाँ 123 मार्क्स थे। अब बता रहा हूं कि 123 मार्क्स के क्या फायदे हैं। एक फायदा ये कि आप जॉब में हो ना तो जाके ये मार्कशीट दिखाओ, छुट्टी मिल जाएगी आपको, पक्का श्योर है। सर को कहो या जो भी है, पुलिस से ज्यादा तो दिक्कत कहीं है ही नहीं, मेरे को ही मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी? जॉब में कितने किस में हो है? हाँ मिल जाती है छुट्टी, कोई नहीं, ज्यादा इश्यू नहीं रहता। पोस्टिंग कहाँ है? सिरोही। सिरोही तो मैं भुगता हुआ वहां पुलिस में 6-7 साल। अच्छा अच्छा नहीं उस, मिल जाती है उसमें तो, पुलिस में मिल जाती है। पुलिस में मैं क्या हुआ, फिर मैं पेश हुआ, मैंने कहा सर मेरे प्री में 123 मार्क्स है, आप मेरे पर विश्वास करो मैं आपकी बार सिलेक्शन ले लूंगा। ठीक है जाओ, छुट्टी भेज दे दी मुझे 60 दिन अवैतने का अवकाश, 16 डे यूएल सैंक्शन, नीचे साइन कर दिए ओके। 60 दिन में अच्छे से पढ़ाई की, अभी मार्कशीट बताऊंगा मेंस वाली भी। अब देखो प्री में मैं बताऊं 123 मार्क्स आते कैसे हैं और 123 मार्क्स आने के फायदे क्या क्या है। एक जो पहली बात लिखा दी थी शपथ वाली, वही 2-3 टेस्ट सीरीज दी मैंने, और रट्टा मारने में तो भाई मैं कह रहा हूं कि कमी नहीं छोड़ी मैंने। क्या क्या रट्टा मारा है? रट्टा मारो ना क्या है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं रट्टा मारा है। क्या है इसमें, कोई कहेगी रट्टू है, कहता रहे भाई जो ये कहे कि ये तो रट्टू है इसलिए हो गया सिलेक्शन, मेरा तो नहीं हुआ तो तू ही रटना, तेरे को किसने मना किया? रट सही है नहीं है, है भाई? हमने किसी को रोका नहीं, हमारी एबिलिटी है रटने की, हम तो बिल्कुल रट्टू है और रट्टू के कारण सिलेक्शन हुआ है, और कोई कहे कि ये रट्टू था इसलिए सिलेक्शन हुआ तो वो सही कह रहा है, और उसका नहीं हुआ इसलिए रट भाई, सही है कि नहीं है? तो एक तो रट्टा मारो, और रट्टा मारो ना वो ये ऐसे मत मारो यार कि प्री तक पढ़ना है यार फिर भूल जाना है, दिमाग में ऐसे डाल के पढ़ोगे ना कि प्री प्री कर रहा हूँ मैं, प्री कर रहा हूँ प्री कर रहा हूँ प्री कर रहा हूँ, जैसे प्री हुई सॉफ्टवेयर में वहाँ क्लीन हो जाता, पूरा साफ हो जाता, हकीकत कह रहा हूँ। जो ये दिमाग में ये ऐसे जैसे आप कहते हो कि मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ प्री की कर रहा हूँ प्री कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्री के लिए तैयार होता है, आपने प्री दिया बाहर आए साफ हो जाता पूरा, हकीकत है। मेरा तो वैसे मेंस दिया, मेंस के बाद में पूरा मेरा तो वैसे सॉफ्टवेयर ऐसा है कि साफ हो जाता है 15-20 दिन में पूरा ही, अब कुछ भी याद नहीं है मुझे। तो प्री 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 ऐसे करोगे तो प्री प्री का तक याद होगा, बाद में आपके जय सियाराम, फिर आप मेंस में लगोगे तो फिर वापस प्री वाला पूरा पढ़ना। आप ऐसे करो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की कर रहा हूँ, प्री की कर रहा हूँ, सब साथ में कर रहा हूँ, है ना? आपने पढ़ा राजस्थान का एकीकरण, अब इसमें थोड़ी हेल्प कर देना मुझे। नहीं सात बात तो मुझे याद है, वो तो रटने वाली फैक्चुअल तो याद है मुझे अभी तक। राजस्थान एकीकरण जैसे आपने रट्टा मारने में क्या है, 7 चरण थे, कितने तारीख को शुरू हुआ, कितने तारीख तक पूरा हुआ, कौन कौन था प्रधानमंत्री, कौन उप प्रधानमंत्री, कौन क्या रहा, वो सब है ना। अब आप है ना थोड़ा सा दिमाग में ऐसे नक्शे में ले उसको। हाँ लिखो दूसरा, ज्योग्राफी में भारत, हाँ नहीं विश्व, भारत इंडिया, भारत मतलब विश्व के साथ में भारत कहते हैं तो ऐसे अटपटा सा लगता है ना, इंडिया विश्व, इंडिया और राजस्थान का मैप बनाऊंगा या बनाऊंगी,
मैप कैसे बनाते हैं राजस्थान का, ऐसे ऐसे करके कोई जो जो, अरे वो जो बना लेना भाई, है ना, मुझे इतना ही आता है। तो अब आप है ना मैप में ऐसे बनाइए, मैप बना के रिवीजन ऐसे कीजिए कि ये सात चरण है, यहाँ यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, इसमें ये मिला, इसमें ये मिला, इसमें ये मिला, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इससे कारण क्या थे, एकीकरण के कारण, एकीकरण होने से फायदे क्या हुए और एकीकरण नहीं होता तो नुकसान क्या हो सकता था, और ये एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। और ये हो गया मेंस का, आपका लिखना नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग में सोचना है यार मेंस में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, और जो रट्टा मारा है उसको ऐसे करना है कि ये मैं मेंस में भी लिखूंगा, मेंस में रट्टा हुआ कैसे लिखते हैं वो बता दूंगा मैं। अब है 123 मार्क्स कैसे आए, तो बता दिया मैंने, एक तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से करना है आपको, आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे से करना है, राजस्थान जी के अच्छे से पूरे ही करना है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है ना, जिसकी मैथ मैथ ठीक है वो मैथ करे, रीजनिंग ठीक है वो रीजनिंग करे, इतना कर लोगे तो ठीक ठाक हो जाएगा, छोड़ना कुछ नहीं। साइंस टेक गुरुदेव बढ़िया करा रहे हैं, साइंस में तो मैंने एक ही गलत नहीं हुआ मेरे 2018 इसमें है ना, साइंस में तो एक या दो प्रश्न गलत हुए थे, बाकी मैंने सब कर लिए थे, बिल्कुल साइंस का कभी पल्ला ही नहीं पड़ा, शुद्ध आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य लोक प्रशासन और इतिहास सब्जेक्ट रहा है, बीए में प्राइवेट किया, हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल 12th में रही है, साइंस कभी नहीं रही मेरी, इसलिए वो इसमें 45 थे पिछले में। फिर सर ने कहा तू ऐसे कर, तू तेरी जब इच्छा हो क्लास चलती हो आके बैठ जा, पढ़ जा, जब भी टाइम मिलता मैं चुपचाप आता, पीछे एक सीट थी पीछे बैठता मैं ऐसे कोने में, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, वैसे बैंक बेंचर भी होशियार होते हैं, पीछे जो बैठे हैं ना वो भी होशियार हैं, मतलब आगे बैठते हैं वो तो होशियार होते ही है यार, उसको क्या ही कहना है ना, पीछे वाले भी होते हैं ऐसे। चलो 123 मार्क्स कैसे आए वो पढ़ना सब कुछ है आपको, लेकिन इसको थोड़ा सा दो तीन चार बताए उसको अच्छे से देख लेना। 123 मार्क्स आ गए आपको, आप प्री दिया, प्री देने के बाद में दो तीन दिन करिए रेस्ट, बिल्कुल किताब के नजदीक मत जाइए, आपको जो इच्छा है वो करिए, आपकी जो मतलब लगता है कि यार ये करना चाहिए तो ब्रेक लीजिए बढ़िया वाला, आप ननियाल चले गए या फिर, पर ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है, वो बार बार आपको ये पूछा तेरा प्री कैसा हुआ, तू फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐडा ला रहे धूड़ नौकड़ी है ना, ऐडा मैं हकीकत कह रहा हूँ, नेगेटिव दोस्त नहीं होना चाहिए आपका, अपनी लाइफ में नेगेटिव दोस्त नहीं होना चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा दोस्त हो वो, उसको हटा दीजिए। यदि आपको ये कहे कि यार तू कैसे करेगा, है तेरे तो इंग्लिश था ना, इंग्लिश में यही नहीं आता, तू कैसे करेगा, तू नहीं रे यार आजकल क्या 4 लाख फॉर्म भर रहे हैं, उसके देख वो कैसे कैसे था, वो हुआ है तेरा कहाँ से होगा, उस तो को कहे भाई राम राम, फिर मिलेंगे जब बनेंगे तब, सही में अरे बढ़ सकते हैं यार, 76 तो मेरी आ सकती है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं आ रहे, हकीकत कह रहा हूँ, 3 अटेम्प्ट जरूर लगे, वो गलतियां मेरी खुद की थी, बाकी 76 रैंक तो लाना कोई बड़ी बात नहीं है, सही में कह रहा हूँ, आप बिलीव करो इस बात को। हाँ 50 अंडर या फिर टॉप 10 में आना हो वो तो मैं आया नहीं तो बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है टॉप 10 वाले मेरे खूब दोस्त हैं ना, टॉप 10 में अभी जो 2018 में उसमें 8-1 दोस्त हैं मेरे, मुझे थे मेरे जैसे लग रहे थे, ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है कुछ तो वो आ गए टॉप 10, पर उनकी एबिलिटी तो थी, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है 123 मार्क्स आए, दो दिन आपने रेस्ट किया, फिर आप लगो प्री में, सॉरी मेंस में, आपको पता है 123 मार्क्स आ रहे हैं, माई का लाल मुझे फेल नहीं कर सकता प्री में, चाहे ओबीसी जनरल में घुस जाए, जनरल ओबीसी में घुस जाए, एससी एसटी कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, लंदन कोर्ट चले जाए, मैं बाहर नहीं हो सकता, मैं मेंस की तैयारी करूंगा। अब जैसे प्री दे के आए, दूसरे दिन कट ऑफ, कट ऑफ आपकी बाजार ओबीसी की जा सकती है 100, ओबीसी की सिर्फ ओबीसी की जाएगी, जनरल की जाएगी 80, ओबीसी वाला जनरल में नहीं जाएगा, मेरे तो यार 90 आ रहे हैं ओबीसी से हो, फिर मैं किस में लगा कोर्ट में, और 123 वाला किस में लगा मेंस में, फिर वो करेगा ना, करो इसको 125 130 और दो दिन करो रेस्ट, तीसरे दिन लगो मेंस में, कोर्ट में जा रहा है कि कट ऑफ क्या रह रही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी कट ऑफ थी 99 पॉइंट ऐसी कुछ थी उस समय 2018 में, ओबीसी की कट ऑफ गई अलग, एक बार 99 चली गई, मेरे दोस्तों का पूरा को लाटो लियो सपा पार्टी साफ, एक दो पास हुए बाकी सब
फिर 99.5 तो वो हाई कोर्ट में गए, मैं मेरा काम करता रहा, उनमें से अच्छे दो चार हो गए, सिलेक्शन भी हो गए। तो आपको क्या करना है, 123 125 लाने, दो दिन रेस्ट करनी है, मेंस में लग जाना है। फिर उनकी कट ऑफ भी कम हुई, नए लोग आए 5000, उन्होंने फिर समय लिया, पर आप तो आपके पहले से क्लियर थे आप। तो प्री में स्कोर करना है 120 प्लस, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे चलो। इसमें दो तीन बातें और सिखाऊंगा, इसमें जो बात है सब प्रूफ पे है, हवा हवाई कोई बात इसलिए कर नहीं रहा क्योंकि हकीकत कह रहा हूं, हम जब मैं जब वहां बैठता था और मुझे लगता है यार ये बंदा फेंक रहा है, लगता है ये तो भाई, अब मैं भी सेमिनार में जाता था ना, तो कई बार ऐसे लगता था कि यार ये फेंक रहा है, मतलब ऐसे कोई कह दे, मैं आके यूं कह दूं कि यार मैं 12 घंटे पढ़ता था तो ये फेंक ही रहा हूं, मैं तो नहीं पढ़ा कभी 12 घंटे, 8 घंटे पढ़ा हूं, परीक्षा ऊपर आ जाती है तब दिमाग अपने आप पढ़ना शुरू कर देता 10-12 घंटे, लेकिन परीक्षा नहीं है तो 6-7-8 घंटे खूब है, कोचिंग आ रहे हो वहां पढ़ रहे हो फिर घर पढ़ लो थोड़ा सा हो गया, लेकिन आप 12-12 घंटे पढ़ता था, 14 घंटे पढ़ता था, नहीं है नहीं पढ़ सकते 12 घंटे, आप पढ़ोगे 4 दिन पढ़ सकते हो 12 घंटे, दिमाग है भाई ये काम करना बंद कर देगा, 7-8 घंटे दिमाग काम कर रहा है पढ़ लो, परीक्षा आती है तब दिमाग अपने आप काम करना शुरू कर देता है, वो अपने आप मटेरियल लेना शुरू कर देता है, 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे आप पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं, सप्ताह भर में तो सप्ताह तक तो एक सप्ताह रहता है परीक्षा में, तो फिर तो दिमाग ऐसे कहता है पढ़ ले बेटा पढ़ ले तू पढ़ ले वो भी अलाउ कर देता है, नहीं बाकी लगातार नहीं हो सकता है। हाँ कोई अभी 12 घंटे पढ़ रहा है उसके रूटीन में है पढ़ो, लेकिन मेरी राय ये कि 8-9 घंटे खूब है। हाँ एक बात उसमें लिखो, मैं मेरे नोट्स पर पूरा यकीन करता हूं या करती हूं, मैं मेरे नोट्स पर पूरा यकीन करता हूं या करती हूं, मैं इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ूंगी, मैं इन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ये लिखा इसलिए रहा हूं बता रहा हूं क्या होता है। मान लो आपके आपने अपने सारथी से किया टेस्ट सीरीज दिया और व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे आपको और कोई टेस्ट सीरीज मिल गई, आपने जब वो टेस्ट सीरीज देखी तो उसमें एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपने मटेरियल से नहीं आए थे, हर जगह होता है, मैं कह रहा हूं हम सारथी का पेपर मुझे दो मैं बनाता हूं, फिर कोचिंग वाला किसी पेपर में देख लेना वो प्रश्न नहीं होगा, बना सकते हैं ऐसा, हर कोई बनाता है, तो आपको लगता है कि यार ये प्रश्न नहीं आया और फिर आप इस खोजबीन में लग जाओगे ये प्रश्न किस बुक से आया और उस बुक्स को लाके पढ़ोगे तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहता उसका। अरे भाई ठीक है पेपर आया तो उसकी आंसर की भी तो आई होगी, सीधे पढ़ो ना आंसर की में पढ़ लो, आंसर की में पढ़ गए या उसको फाड़ दो, फाड़ के अपने वाली किताब में लगा लो कॉपी में लगा लो, आपको क्या करना उसी प्रश्न को तो लिखना है, एक आया है तो किसी टॉपिक से आया है उस टॉपिक में लिख लो, अपने पास में नहीं है तो ऐड कर लो, पर उसके लिए किताब लानी जरूरी नहीं है, बार बार रिवीजन लिखो, एक और लिखो बार बार रिवीजन, उसी का बार बार करना है, जो पढ़ा उसका रिवीजन, जो पढ़ा उसका रिवीजन। और एक और लिखो अच्छा ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप जो 3 या 4 जनों का हो सकता है, जो 3 या 4 जनों का हो सकता है अच्छा ग्रुप। अच्छे ग्रुप में क्या क्या होगा वो बता देता हूं, आपको ऐसा लगता होगा या कोचिंग में आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऐसे विचार किसी से मिलते हैं, धीरे 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 ग्रुप बन जाएगा, विचार मिलने होने चाहिए, ऐसे नहीं एक उत्तर जाहिर एक दक्षिण जाहिर, एक को किसी को पता चला कि ये प्रश्न आ सकता है और उसने खट सी लिख लिया और रट लिया और दूसरे को बताया ही नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का है ना कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ये ऐसी नीयत से चलते हैं ना कि यार मेरे को ये प्रश्न आ रहा है किसी को नहीं आए, ऐसों का सिलेक्शन होता ही नहीं। माँ सरस्वती मैं कह रहा हूं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आप यदि किसी को अपनी कॉपी दोगे
आप अपनी कोई कोई आपको आर आर बताओगे प्लस होगा हमेशा। मैंने मेरे नोट्स आज तक कभी छुपाए नहीं, किसी ने कहा कि नोट्स की कॉपी चाहिए, मैंने खुद करा के दी, आगे नंबर फुल, हकीकत कह रहा हूँ, 15-20-25 नंबर तो ऐसे ही है मेरे इसमें। तो आप अपना एक ग्रुप बनाइए 3 या 4 का, फिर ग्रुप में क्या कीजिए, जो याद नहीं होता है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है इंग्लिश में आपके, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द है, जो भी आपको याद नहीं होता वो कह दो कि भाई आज 4 पन्ने पढ़ेंगे विलोम शब्द के, है ना। अब ग्रुप बन गए आपका, 4 पन्ने पढ़ गए। एक जैसे ये किताब है राघव प्रकाश, तो राघव प्रकाश में दिख रहा है ना सभी को, इधर विलोम शब्द है, इधर वो उसके उत्तर है, इस उत्तर के ऊपर रखनी है आपको स्टील लोहे वाली, ताकि दिखे नहीं, पारदर्शी तो फिर दिख जाएगी ना। फिर आप पढ़ते जाओ कि भाई रात का दिन हुआ और क्या बोलो, एक दो हाँ सुबह की शाम हो गई, हाँ जो भी एक ऐसा बोलो जो आपको याद आ नहीं रहा। तो जो नहीं आ रहा उसके एक छोटा सा डॉट लगा दो, है ना, छोटा सा डॉट लगा दो। ये डॉट लगा के आप ये सोचो कि यार मैं 4 बार पढ़ा और ये मेरे को याद नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा कि यार मेरा दिमाग भी इतना नहीं है कि यार 4 बार पढ़ूं याद नहीं हो, और इसको अगले को हो जाए, अपना जो दोस्त है, फिर कहो यार क्या करे, पहला पढ़ना पढ़ लिया क्या, हाँ आजा बेटा इधर बता, जो जो आपने डॉट लगाए थे ना वो पूछो उसको, ठीक है। इससे फायदा क्या है, आपने डॉट लगाए ना वो बताएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 80% मामलों में आप जो पूछोगे उसको भी नहीं आ रहा है, ये दिमाग का है, ऐसा ही है कि जो अपने को जल्दी याद होता है वो सबको याद होता है, जो कम होता है वो सबको कम होता है। तो एक अच्छा ग्रुप बनाओ 2 या 3 जनों का, हम 4 जने थे, 4 में से 3 सिलेक्ट हो गए, लाइब्रेरी में हम 8 जने थे, 8 में से 6 सिलेक्ट हो गए, ऐसे ऐसे बैठते थे, एक तो पूरी रो सिलेक्ट हो गई, 4 बैठते थे हम, 4 ही सिलेक्ट हो गए, हमारे पीछे बैठते थे उसमें से 2 सिलेक्ट नहीं हुआ। तो एक अच्छा ग्रुप बनाओ आप, ग्रुप में डिस्कशन करो, ऐसे नहीं कि ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है और चलते चलते कहीं राजनीति में घुस गए और राजनीति में फिर क्या क्या फेंकी आपने, वो नहीं, आप डिस्कशन कीजिए। मैं आगे एक पेपर, आज का जो छोटा सा पेपर है उस पर बताऊंगा कैसे डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन क्या होता है। 4th पेपर को प्री के साथ में ही लेके चलना है, 4th पेपर इंग्लिश में बंटाधार किस किस का है ये बताओ, मतलब बंटाधार, मतलब बंटाधार का मतलब समझ रहे हो ना, बंटाधार बिल्कुल ही कुछ नहीं, हाँ, और इंग्लिश ठीक किस किस की है, इंग्लिश मीडियम भी है कहीं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो शुभकामना है आपके लिए, इंग्लिश के 80-90 नंबर तो है आपके पास में, बाकी देखो हिंदी मीडियम में है जो, और इंग्लिश उनकी कमजोर है, इंग्लिश अभी से करो यार भाई, इंग्लिश छोड़ती नहीं है अभी, है ना, एक दिक्कत और है, यहाँ 1276 रैंक वाला इंग्लिश ठोक रहा है OTS में, इंग्लिश में बात कर रहा है, यहाँ 76 रैंक वाले से इंग्लिश नहीं आ रही, तो मैं वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा हूँ। तो इंग्लिश बोलना भी सीखो और इंग्लिश अच्छे से करना भी सीखो, 90 नंबर का वेटेज है, बहुत बड़ा नंबर है वो, मेरे इंग्लिश में 21 नंबर है, अभी 80 में से लोगों की 60-60 नंबर है, मेरे इंग्लिश में 60 होते मैं मेरिट फर्स्ट टॉपर होता मैं। तो इंग्लिश आप अभी से करो, इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते, इंग्लिश आपको छोड़ेगी नहीं कभी भी, हिंदी और इंग्लिश को अभी से साथ लेके चलना है, क्योंकि 4th पेपर में अच्छा खासा स्कोर करना है। मैं हमेशा क्या है कि आस्तिक रहा हूँ शुरू से ही, भगवान पे भरोसा रहा है, जो यहाँ आस्तिक है उनके लिए ये बात है, जो भगवान में भरोसा नहीं करते नास्तिक है, उनके लिए ये बात लागू नहीं है, और मैं उनको कहता भी नहीं हूँ कि आप भगवान पे भरोसा करो और तुम नास्तिक क्यों हो, वो उसकी इच्छा है ना। मैं कह रहा हूँ आस्तिक के फायदे क्या है, मेरा आधे नंबर से SDM में नहीं हुआ, मैंने कहा ये तो होगा वही जो राम रचीरा का प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ और मैं फ्री हो गया। अब मैं भगवान को नहीं मानूं और मैं ऐसे दिल्ली सेमिनार में जाऊं और कोई कहे कि यार ये आधे नंबर से SDM से रहा, तो अंदर से दुख, और ये क्या पता कब हो जाए दुख, क्यों जब कहीं मिले कोई पूछे आप रैंक 76, अरे तो SDM कैसे नहीं मिला, फिर दुख। तो मैं कहता हूँ क्या है, होगा वही जो राम रची राखा, मैं आस्तिक हूँ, मैंने कहा भगवान ने जो दिया बहुत दिया है ना, कॉन्स्टेबल से यहाँ तक पहुँच गए, तो आधा नंबर यहाँ नहीं है मेरा, यहाँ आ सकता था, यहाँ मार्किंग थोड़ी टाइट हुई मेरी,
2016 में मैं बिल्कुल गधा टाइप था, उसमें मेरे फोर्थ पेपर में 100 थे, 18 में बहुत पढ़ा हूं मैं, उसमें ही 100 थे, पर इसमें नहीं आए, नहीं आए तो नहीं आए। 92.5 101, 45 से सीधा 101। साइंस को अच्छे से किया मैंने, ज्योग्राफी को किया, और जो सब्जेक्ट थे उसको मैंने फिर छोड़ा नहीं कुछ भी। मैंने कहा अबकी बार जो करना है ठीक करना है, डबल से ज्यादा नंबर है, 45 से 101.25, तो ये कर सकते हो आप। अरे मैं कर सकता हूं तो क्यों नहीं कर सकते यार आप मैं से ही उठाऊं, मैं आप जैसे ही हूं भाई, सब जैसा, यहाँ कोई हाई फाई फैमिली से नहीं है हम। आप जिस जमीन से आते हो, जिस घरों से आते हो, उसी से हम आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम पढ़ो, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। हम उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जो बिल्कुल हाई क्लास से आते हैं, उनको पीछे छोड़ सकते हैं हम। हाँ, हमें इंग्लिश नहीं आ रही होगी, कहीं थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन हम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, हमारे दम पे ला सकते हैं। हम यहाँ 99.5 से रहे तो हमने यहाँ अच्छा किया, 108.5 टॉपर के नहीं है मेरे, फर्स्ट पेपर में 108.5 नंबर है मेरे, जो टॉप किया है उसके भी नहीं। तो आपका जो कमजोर पक्ष है उसको थोड़ा सा मजबूत कीजिए, लेकिन जो मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत कीजिए, हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार वो इंग्लिश मीडियम से आ रहा है, उसकी एजुकेशन शुरू से बहुत अच्छी हुई है, हाँ हुई होगी, ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन आप अपने मेहनत के बूते पर, मैं कह रहा हूं टॉप 100 में आ सकते हो, टॉप 10 में आ सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आपको ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो बात थी, 108 नंबर, 101.25, ये पांचा पांचा कर गया मेरे, ये 0.5, 0.5, ये 2.5, अरे और फिर 5, और फिर एसडीएम से 0.5, 0.5 का बहुत लोचा है, पता नहीं जो भी है, 401.75। फिर आते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू की तैयारी हम बहुत बेहतरीन कराएंगे, कोई चेक नहीं, कोई चेक नहीं। मैं आस्तिक हूँ, प्रभु बजरंग बली की नाम लेके गया था, मैंने कहा प्रभु खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए एसडीएम तक है, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे, आप पर पूरा भरोसा है। एक भी प्रश्न मेरे को ऐसा नहीं पूछा जो मुझे नहीं आता हो, ऐसे चला इंटरव्यू कि मैं चला रहा हूँ। बात ये नहीं है, आपकी किस्मत भी होती है, आपका अपने इष्ट पे विश्वास होता है, सब कुछ बातें हैं, लेकिन आप जैक चैक पे मत रहिए। आपकी ये कमाई, आपकी ये मेहनत, आप यहाँ 10-10 घंटे बैठे और आपने किसी की सिफारिश कराई, एक झटके में पूरा क्रेडिट ले जाएगा और पूरी लाइफ आपको ये कहा जाएगा कि ये, अरे वो साहब ने कहा था तो हो गया। उनको ये पता नहीं चला, फ्री में हम पढ़ पढ़ के अंधे हो गए, मेंस में हमने लिख लिख के हमारी टाकी पड़ गई, और एक इंटरव्यू में क्या कहा या नहीं कहा, और क्रेडिट पूरा ले गया। तो अपने पर भरोसा कीजिए। दूसरी बात चेक की कि पैसा, मैं इस मंच से 2-3 बात, मैं तो नहीं कह रहा पैसा चल रहा हो, लेकिन अखबारों में ऐसी बातें आई, ऐसे लोग, ऐसे मुद्दे आए, तब हमें ऐसा लगता है कि होता होगा ऐसा, लेकिन जो पैसे पकड़े गए, मैं अखबार की बात से बता रहा हूं, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसका मत करना, मैं अखबार के न्यूज से बता रहा हूं कि ऐसा कोई बता रहा था कि इंटरव्यू में पैसे चलते हैं और 23-23 लाख रुपए पकड़े गए। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत इसलिए नहीं है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। कहां 23 लाख रुपए एक गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता, कहां से देगा 23 लाख रुपए, 2% ब्याज 46,000 रुपए होते हैं, या 2 साल प्रोबेशन में 39,000 रुपए मिलते हैं, 5,000 रुपए या 6,000 रुपए पर मंथ, 7,000 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो पूरा प्रेशर रहता है आपके। और हमेशा ईमानदार रहिए अपने फील्ड के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति, तब रह पाओगे जब ये पहले से कुछ नहीं करोगे। अपनी मेहनत पे रखिए, अपने मेहनत अपने पर खुद पे विश्वास रखिए, ठीक है। इसलिए 71 मार्क्स आ सकते हैं बिना जैक बिना चेक, 472 और ये 76, ठीक है। अब लिखो आगे एक लाइन और, पक गए कि नहीं पके, कोई पक पक के ऐसे ये हो जाए तब छोड़ दूंगा मैं। टेस्ट सीरीज हो गया, ग्रुप हो गया, वन सोर्स का हो गया कि आपको जो किताबें हैं एक ही किताब पढ़नी है। हम इंटरव्यू तक की बात आज ही कर लेंगे, मुझे बीच में समय मिलेगा तो मैं आता रहूंगा और भी,
लेकिन हम मैं चाह रहा हूँ कि एक सेशन में निपटा दें। अभी थोड़ा एक हाँ एक बीच में बात हो रहा है, लंपी को लेकर गौ माता बड़ी संकट में है। एज ए बी डी ओ शिवाणा मैं वहाँ देख रहा हूँ, फील्ड में जा रहा हूँ, बहुत स्थिति खराब है। अभी लंपी से गायें उभर की गई है लेकिन कीड़े पड़ रहे हैं गायों में। तो आपको आस पास कोई ऐसी गाय आपको दिखे तो संबंधित डॉक्टर साहब से फोन करके उनको पूछो कि यदि हमारी तरफ से कोई सहयोग हो सकता है तो आप एक गौ माता के लिए कुछ कर सकते हो तो जरूर कीजिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। आज यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं आप सबसे मेरा निवेदन ये रहेगा। ये मैंने एक मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आप मैं वहां कर रहा हूं काम और मुझे ऐसा कोई बताते हुए घमंड नहीं है। मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि यार गौ माता अपनी माँ है। लोगों ने गौ माता को घर से निकाल दिया, लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया, तो उन्होंने 10-10 साल तक जिस गाय का दूध पिया, दही पिया और घी खाया, आज संकट में गौ माता है तो उसको घर बाहर छोड़ दिया। आज गायें जो यहाँ घूम रही है, इतनी गायें पहले नहीं थी तो ये आई कहाँ से? लोगों ने पालतू पशु थे उनको छोड़ा है, घर से बाहर निकाला है। तो आपको कहीं आसपास ऐसी कोई गायें दिखे और आपको लगता है कि यार मेरी तरफ से 100, 200, 500 बड़ा अमाउंट मैं नहीं कह रहा, और डॉक्टर को यदि कोई ऐसी दवाई है वो मुझे बताए तो मैं उसको ला के दे दूँ, तो इसके लिए हमने मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इसमें आपको नहीं करना है। लेकिन एक हमने कल मुहिम चलाई, मैं क्योंकि वहाँ उधर शिवाना करूँगा, मुझे लगता है कि हर जगह ये स्थितियाँ, उदयपुर में स्थिति क्या है ना, तो मुझे लगता है कि आपके घर के आसपास भी ये स्थितियाँ होगी, तो आप इस संबंध में कुछ थोड़ा सा कर सकते हो तो कीजिए। ये बात आई इसलिए कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मेरे बहुत क्या कहते हैं, मैं फील्ड में गया हूँ तो आपको रोना आ जाएगा, गौ माता के कीड़े पड़ रहे हैं और वो तड़प रही है, आप देख नहीं सकते ये स्थितियाँ अभी। एक मिनट, एक मुद्दे से भटके नहीं हम, मुद्दे पे हैं, लेकिन कई बातें और कई इश्यूज ऐसे हैं जिस पे एक इथिकल मानव होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते उस पे हमें बात करनी चाहिए। पढ़े हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा भी एक बीच में इसलिए मैं उठाना चाह रहा हूँ कि अपने को थोड़ा बहुत अपने से जो बनता है वो करना चाहिए। मुझे खुशी है कि सर ने इस संबंध में मुझे कुछ कहा है कि वो भी सर भी सहयोग कर रहे हैं, सर के लिए तालियां हो जाए। कल मैंने मिशन शुरू किया था बी डी ओ शिवाणा की तरफ से, हमारी पंचायत समिति की स्टाफ ने 1,21,000 रुपये दिए, वो अभी कुछ अमाउंट जमा हुआ कुछ नहीं हुआ है, और मेरे दोस्तों की कमी नहीं रही। अरे यार लाइफ में मैं कह रहा हूँ ना, दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त आज भी है जिंदा, अच्छे दोस्त बनाओगे तो आप कभी संकट में हो, आप कभी टेंशन में हो, एक दोस्त लाइफ में तो ऐसा रखना भी चाहिए। आप कभी बिल्कुल ही टेंशन में और आपके पास में एक भी दोस्त ऐसा नहीं है कि जिससे आप अपने मन की बात बता सको, तो आप है ना लाइफ में कितने ही बड़े अधिकारी बन गए, कितने IAS बन गए या RS बन गए, तो आप लाइफ में है ना एक रैंक लाए, आप एक पद लाए, लेकिन लाइफ में सक्सेस नहीं हो, आपके पास में एक दोस्त भी नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन में हो, यार किससे बात करूं, ये बात मैं किसको बताऊं, कम से कम लाइफ में एक दो दोस्त ऐसे रखने चाहिए, रखना, थोड़ा पहले परीक्षण करना उसका अच्छा सा, आपके जो पैरामीटर हैं उसमें से उतरता है वो, तो ऐसे नहीं कि मैंने बताया कि यार दोस्त मेरे यहाँ दर्द है और दोस्त जब मिला तो और हनुमान जी क्या हालचाल है यहीं आके, तो ऐसे दोस्त मत रखिए, उसको पता है घाव कहाँ यहाँ है और हनुमान जी क्या हालचाल, अरे अच्छा वो दर्द अभी ठीक नहीं हुआ क्या, तो वो ऐसे पूछे कि यार वो उसका क्या चल रहा है, फोन करके पूछे यार आपके वो थोड़ा लगी थी हाथ के क्या चल रहा है, उसकी स्थिति क्या है, वो ऐसे मार के नहीं पूछे। आजकल ऐसे दोस्त भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले परीक्षण कीजिए कि ये यहाँ ऐसे थपकी देकर पूछने वाला है या फिर फोन करके पूछने वाला है, तो एक लाइफ में अच्छा दोस्त अपना रखना चाहिए। मैं दोस्तों की बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे भगवान की दया से अच्छे खासे दोस्त हैं और आवाज आ रही है, ओके। तो बात ये चल रही थी कि एक थोड़ी सी मुहिम जो मैंने शुरू की थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके आसपास भी ऐसा कहीं हो तो आप अपना सहयोग दें।
उसके लिए मैं कह रहा था कि अभी मेरी पेमेंट भी अभी जमा हुई है, तो 20,000 रुपये शायद पेमेंट के थे, बाकी तो किस्तों में कट जाते हैं। और एक बाउंड मतलब एक बया एक बेहतर 1,00,000, ये बता रहा हूँ, एक अच्छा इंसान भी आपको अंदर रखना है। क्या है अधिकारी, क्या है, पोस्टें आती रहती है, तुम वीडियो हो आज, शिवाना वीडियो हो, कल कोई और आएगा, कल यहाँ आप कहीं TADA में लग जाओगे, कहीं ट्रेनिंग सेंटर में लग जाओगे, हमेशा सदाबहार रखो। क्या है आज वीडियो है, कल ट्रेनिंग सेंटर में लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक पद से छिपक के बैठना भी ठीक नहीं है। तो हो सकता है कई बातें आपको नहीं लगे सही, आपको जो लगे वो अपना ना, लेकिन अभी हम वापस मुद्दे पे आते हैं। मैं कभी भटक जाता हूं तो कई बार आगे बहुत आगे चला जाता हूं, तो उसको वापस लाना मुझे जरूरी होता है। हॉबी पे बात करेंगे, आज की तैयारी की, हम इंटरव्यू तक की बात कर रहे हैं, प्री और मेंस की थोड़ी सी पेपर के बारे में बात कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सारथी अकादमी पे, आप है ना विश्वास करो, जयपुर बटे घाटीड़ू का ही है अपने बड़े, क्या है जयपुर में है? मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, किसी बुरा ही नहीं कर रहा, वो भी कोई ऐसे कोई गोल के पिला रहा है क्या, आपको पढ़ना वही है, पढ़ना यही है, तो यही पढ़ लो। तो मुझे पूरा सारथी अकादमी की टीम पर पूरा भरोसा है, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि प्री के लिए ये किताब ले आओ, मैंने कहा नहीं, और जाके भर भर के किताबें ले आओगे आप, पर पढ़ोगे उसको नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं प्री की किताबें कौन सी लानी है, मेंस की किताबें कौन सी लानी, मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो बताने का कोई औचित्य है नहीं। कई बातें ऐसी है उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। एक हॉबी के बारे में बात कर लेता हूं, हॉबी सबको विकसित अभी से करनी चाहिए। हॉबी को लेकर बहुत इश्यू है मारवाड़ के लिए, तो बहुत इश्यू ये है कि हमारी काय की हॉबी है। हम जब समझना शुरू हुए तब हमें पशुओं के पीछे भेजा गया चराने के लिए, घर के कामों में लगा दिया गया, और थोड़ा बहुत ठीक ठाक थे तो पढ़ने शुरू हो गए, तो पढ़ाई में ध्यान दिया, थोड़े ठीक हुए तो नौकरी करने चले गए। तो काय की हॉबी अपनी, हॉबी उनकी होती है जो हाईफाई परिवार में पैदा हुए, कोई गिटार बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई किसी को बॉक्सिंग सिखाई जा रही है, कराटे सिखाए जा रहे हैं, हमारे को तो ऐसी हॉबी थी नहीं। तो मेरे क्या हुआ, हॉबी को लेकर इश्यू हुआ, मैंने 5-6 हॉबी चेंज की। मैंने पहली हॉबी रखी योग एवं मेडिटेशन, अब मैं मॉक इंटरव्यू देने गया, योग बाहर आके हॉबी चेंज, आता ही नहीं था कुछ। हॉबियाँ ऐसे नहीं होती, हॉबी अंदर से होती है। फिर मैंने रखा साइकिलिंग करना, साइकिलिंग भाई पड़े इधर उधर से, फिर मैं मॉक इंटरव्यू दिया बाहर आया हॉबी चेंज। फिर मैंने रखा कुकिंग करना, कुकिंग मॉक इंटरव्यू दिया कुकिंग, मेरे को पता नहीं, उन्होंने पूछा कि ये बनाना आता है क्या, मैंने कहा सर सॉरी सर, तो क्या आता है कि दाल बाटी चूरमा सर ये बना देते क्या, ये कोई कुकिंग है क्या, ये तो मतलब कुकिंग तो आपका पैशन होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को इतना सीखा हुआ है, तो आपकी हॉबी नहीं है, हॉबी चेंज। एक और रखी थी उसको भी चेंज किया। फिर हमने एक शॉर्ट मूवी देखना ऐसे कोई हॉबी रख के गया था, वो ठीक ठाक 5-7-10 प्रश्न थे मेरे। एक अभी STM है देवीलाल जी यादव, उन्होंने बताया था, हम वो सब इंस्पेक्टर थे, मैं कॉन्स्टेबल था। तो हॉबी को भी अपनी हॉबी अभी देख लीजिए, कोई बना लीजिए तो काम आएगा आगे। हाँ, एक गर्ल्स के लिए दिक्कत ये है कि उनके ऊपर 3-4 जिम्मेदारियां है, बॉयज के ऊपर तो क्या है, बॉयज को तो पढ़ना है वो पढ़ता नहीं है, जिम्मेदारी है पढ़ने की उसमें भी पढ़ता नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ बैठे वो नहीं पढ़ रहे, ये आंकड़े बता रहे। अभी हाल ही में RJS का जो रिजल्ट आया, 10 में से 8 लड़कियां। RS का जो रिजल्ट आया टॉप 50 में से कितनी है, 30-32 है लड़कियां। 76 तक 3 लड़कियां OBC की थी जो लड़कों की सीटों पर आई है, पता है ना, ये लड़की लड़के की सीट पर आ सकती है, लड़का नहीं जा सकता, रिजर्वेशन हो तो अलग बात है, अपना अभी है नहीं रिजर्वेशन। इसके बावजूद भी गर्ल्स पे 3 जिम्मेदारी कौन कौन सी है, यहां बैठी है उनसे मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा, आप पर 2-3 जिम्मेदारियां है। आपको पढ़ाई करनी है सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आपको उन पड़ोसियों को झूठा साबित करना है जो रात दिन एक किए हुए हैं, उनके बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं उनको कतई कोई मतलब नहीं है, पर आप क्या कर रहे हो, आज लड़की की शादी कब करोगे, लड़की उदयपुर कहाँ रह रही है, लड़की किसके साथ घूम रही है, लड़की किसके साथ बैठी थी, भाई तुम्हारे क्या करना, नहीं जाके पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपको आपको एक उदाहरण वो बनना है, गर्ल्स के लिए कह रहा हूं, मेरी एक बेटी है 3 साल की, इसलिए बता रहा हूं कि आपको उदाहरण बनना है वो, कि देखिए उस घर की जो बेटी थी वो उदयपुर गई थी और RS बनी थी, तब एक उदाहरण होगा आपका, और उन बेटियों के लिए आप मिसाल होंगे जो उदयपुर अभी तक नहीं आ रही।
और वो इसलिए नहीं आ रही कि उनको भेजा नहीं जा रहा। आप क्या समझते हो कि यहां बैठे हो ये होशियार हो? तुम्हारे से ज्यादा 30 मार के गांव में पड़े, हकीकत कह रहा हूं। कईयों को परिस्थितियां ऐसी रही, नहीं आ पाए, कईयों को घर वाले नहीं भेज रहे हैं, कईयों के पास कोई इश्यू है, कईयों के पास कोई इश्यू है, प्रतिभाएं खूब है, लेकिन जिसको मौका मिलता है वो भुनातार नहीं है, और जिसको मौका नहीं मिलता है वो बैठा है ऐसे। फिर एक बात, पड़ोसी क्या कहते हैं, आपको अपने मम्मी पापा को भरोसा दिलाना है, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। बेटियों के लिए कह रहा हूं कि मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा, आप मेरे पर विश्वास कीजिए। इतना आपका कहना उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, आप जिस टारगेट को लेके आए हैं उसको अचीव कीजिए, एक उदाहरण बनिए उन बेटियों के लिए जो आपके वहां बैठी है गांव के दूर दराज में, और आप उदाहरण बनेंगे तो उनको वो आएंगी आगे। तो आप बेटियों के ऊपर ये दोहरी तिहरी जिम्मेदारी है, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, रिजल्ट बता रहे, आप में से भी बहुत अच्छा करोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। एक जो आपका नाम क्या है, गुंजल, गुंजल, ये गुंजल की राइटिंग है, देख लो, ऐसे थाप दिया ना वहां कॉपी में, कोई रोक नहीं सकता। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, देख लेना इसकी कॉपी, यहीं रख रहा हूं, ऐसे छाप दिया कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। मेरी कॉपी बताऊं, हिंदी मीडियम में लिखा है मैंने, तो आ जाओ आप, तो आगे ये पेन ले ही जाओ आप, इसके लक हकदार हुआ, आओ इसका फोटो कहां है, बेटी बेटी पाँव नहीं छूती, पाप लगता है, बेटी पाँव नहीं छूती, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। ये राइटिंग इनकी देखना, ऐसे मोती की तरह लिखा है, ऐसे सरवाइव कर गए ना आप, कोई रोक ही नहीं सकता आपको टॉप 10 में से, चाहे आज मैं कह रहा हूँ आप, आपका मीडियम क्या, सॉरी साइंस रहा है आपका, साइंस में आप अच्छे हो, बाकी में भी करो, आप ऐसे लिख दिया तो पार। एक होता क्या है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप कॉपी ऐसे की, अरे वाह क्या लिखा है, और आपको भी क्या लिखा है एक तो होता अरे वाह क्या लिखा है, और एक होता अरे क्या लिखा है भाई, ऐसे लिख दिया किसने, ये हनुमान, ये तो है कि अरे वाह क्या लिखा है, और ये अरे क्या लिखा है। तो राइटिंग अच्छी है तो आप बेहतरीन करोगे तो पार हो। और भी अभी रुको, दो तीन प्रश्न प्रश्न पूछेंगे कुछ, उसमें कोई आ सकता है और भी आगे। पके थके तो नहीं हो ना, मैं जब आता हूँ तो सेमिनार के लिए आता हूँ तो मैं सोच के आता हूँ कि आज 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे, ये नहीं सोचता, ठीक है चलेगा, तब तक वो नहीं थकेंगे हम नहीं थकेंगे, आप सरेंडर कर दो तो हम चल लेंगे वापस, अभी बैठेंगे थोड़ी देर बस में, देसी बना। जो भी बात है मुझे भी साझा करें, क्या बात है आज ऐसी कोई अर्जेंट बात हो मुझे भी साझा करें। मेरी कॉपियां हैं दिखाऊंगा मैं आपको, ग्रुप हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, रिवीजन रिवीजन हो गया, कंटिन्यूटी हो गई, की ऑफ सक्सेस है ये हो गया आपका। हाँ एक और लिखो लाइन, प्रीवियस ईयर के पेपर, पिछले वर्षों के पेपर, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों को, देखो प्रश्नों को मैं रट्टा मार लूंगा, लिख लो, मैं रट्टा मार लूंगा या लूंगी, मुख्य परीक्षा के पेपर को, मुख्य परीक्षा के पेपरों को मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी,
मुख्य परीक्षा के पेपरों को मैं लिख लूंगा या लिख लूंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज देना, कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज देना, बाकी आप जा सकते। हो गया। अब मेरे को बताओ इस क्लास में किसने पिछले वर्षों के पेपर देखे हैं? अब देख लो। जब आपको पता ही नहीं है कि होता क्या है आता क्या है, फिर कैसे? आज ले आओ पेपर, ये ले आना। कोई क्रांतिकारी मत बनना कि प्रिंटर पे पढ़े और ये थप्पी के थप्पी निकाल दे, वहां प्रिंटेड है, ले आना। किताब आती है किसकी, है ना? ले आना, है ना? पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को ले आना, मेंस के पेपर है वो आपको लिखने हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में हूं। कोचिंग शुरू हुए कितना टाइम हुआ है? तीन महीने तो गए ना, एक महीना हुआ। अच्छा, फिर भी सभी ले आना एक बार। तो पेपर हो गए, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही पड़ेंगे भाई। शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे वो बता दूंगा मैं अभी। एक सर ने जो बताया था ना कि हिस्ट्री की क्लास में कोई ज्योग्राफी पढ़ता है, ऐसे हैं कई लोग, मेरे साथ में भी थे। मुझे हिस्ट्री में कुछ भी पूछ ले, आजा बता, हर पूरा आता मुझे। हिस्ट्री का क्या पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं। तो उसको ना ज्योग्राफी आती है ना हिस्ट्री आती है। अरे तेरे को भाई इतनी हिस्ट्री आ रही है तो फिर हिस्ट्री में कॉलेज लेक्चरर बन जा, यहाँ काहे आ रहा है भाई? इतनी हिस्ट्री आ रही है कि हिस्ट्री इतनी आती है कि ज्योग्राफी पढ़ रहा है क्लास में, तो जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो, जो क्लास में पढ़ रहा है चल रहा है उसको पढ़ो। सिलेबस किस किस के पास नहीं है, सिलेबस किस किस के पास नहीं है, सभी के पास में है? निकालो सिलेबस। फ्री का निकालो, फ्री का। जिसके पास नहीं है मैंने मंगवा लिए हैं, आके ले जाओ। अरे आके मतलब आ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जिसके पास में है। ये सिलेबस हमारे लिए गीता है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए बाइबिल है, हमारे लिए सबसे अच्छा दोस्त है, हमारे लिए सब कुछ यही है। जब तक का है, प्री का है, मेंस का है। सिलेबस को हिंदी इंग्लिश में सर ने साथ में कर रखा है, मुख्य परीक्षा का साथ में नहीं है, हम करवा देंगे इसको। प्री का साथ में है, कोई नहीं, जिसके पास नहीं है वो समझ लें, समझा रहा हूं कुछ बात है, वो समझा रहा हूं तो वो समझ लेंगे। आज से ही आपके पास रात में सो रहे हो सिलेबस दिखे, उठ रहे हो सिलेबस दिखे, कहीं जा रहे हो तो सिलेबस याद हो आपको। मैं ऐसे पूछूं कि बता भाई, आजा इधर आ जाके बताओ राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें प्री में क्या क्या है, तोते की तरह याद होना चाहिए आपको। कि साहब पहला टॉपिक राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण से कांस्य युग तक, तो कौन कौन से हैं वो वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसमें आपके हर टॉपिक पर ये कमांड होनी चाहिए कि आपको 100 शब्द आते हो। कितने? हर टॉपिक पे जिस दिन 100 शब्द आ गए फ्री में कोई रोकेगा नहीं आपको, 100 शब्द आ जाएंगे, थोड़ा लिखने में ठीक ठाक हो जाओगे, पार। जैसे ही आपने एक टॉपिक पढ़ा, मान लो आपका ये टॉपिक हो गया, आपको ऐसे करना है इससे हाइलाइटर से ये कि ये मेरा टॉपिक हो गया, हाइलाइटर से करना है कि टॉपिक हो गया मेरा, दिख रहा है?
ऐसे करते करते एक दिन आएगा कि आपका ये पूरा ये सिलेबस ऐसे हो जाएगा, कलर चेंज हाइलाइट्स, और ये जब चेंज होगा, हकीकत कह रहा हूं, आपके अंदर से एक फीलिंग आएगी अब की बार आरएस को साले को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, साला इतना पढ़ लिया है हमने, ये देखो। फिर आप दोबारा जब रिवीजन करो तब आप दूसरा पेन ले लो हाइलाइटर इसी के ऊपर, या फिर पेन से ऐसे टिक लगाओ, ऐसे टिक लगाओ, फिर सब में टिक लग जाएंगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, यार सिलेबस ही दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, चार बार पढ़ लिया, एक कोई रखना है सिलेबस, नया सिलेबस नहीं ला रहे हैं। मेरे पास में जो सिलेबस था मैं पूरा पन्ना ही लाया था, पीछे जो खाली पेज थे उसमें, मैं भी ये रिकमेंड करता हूं, पीछे जो खाली पेज आते हैं एक एक तरफा निकालना चाहिए, ताकि अपन उसमें कुछ भी लिखना चाहे तो उसमें ऐड कर सके। और एक ऐसी बुकलेट टाइप बनती है वो बना लो, जैसे होता है क्या ये सिलेबस, इसको ऐसा किया, एक खाली पन्ना लिया, उस खाली पन्ने का कवर बनाया और स्टेपलर कर दिया, फिर सिलेबस में से ऐसे करते रहो, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल ऐसे रद्दी सा हो जाता है ना, मेरा वाला सिलेबस मेरे पास पड़ा है, ऐसे रद्दी हो गया पूरा, पढ़ पढ़ के तब जाके नंबर आते हैं। ये सिलेबस को मतलब आपने कितनी बार पढ़ा, कितना रिवाइज किया, सिर्फ सिलेबस को नहीं, उस टॉपिक को, तो आपको सिलेबस तो रट्टा मारना चाहिए, आपको सिलेबस की हर टॉपिक पर, हर पॉइंट पर आपकी स्थिति ये हमेशा होनी चाहिए कि 100 शब्द अभी बुला दो। किसी को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, आप में से किसी को ये कॉन्फिडेंस है क्या कि एक दो प्रश्न मैं पूछूं और उस सिलेबस की लाइन से बता दे कि यार सर इसमें से कुछ ही पूछ लो मुझे, बता दूंगा मैं, नहीं है, चलो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये है सिलेबस का पोस्टमार्टम करना, अच्छे से जिस दिन पोस्टमार्टम हो गया उस दिन आपका रैंक अच्छा खासा आ जाएगा। सिलेबस की बात हो गई, आपको सोर्स क्या है वो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो उसी में से पढ़ना है आपको, सिलेबस आपका जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगा हुआ होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए सिलेबस, हर टाइम आपके पास में रहना चाहिए। आरएस प्री की बात हो गई, आरएस मेंस की बात हो गई, इंटरव्यू की बात हो गई, एक बात अभी रही है मोटिवेट कैसे रहें। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ यहाँ और आप में से कईयों के तो मतलब ऐसे लग रहा है कि अब की बार तो मतलब आरएस ने फाड़ देंगे पूरा पेपर ही, तो इस जोश को क्या है कि बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, हकीकत कह रहा हूं, इस जोश को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है, और ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है। कंप्यूटर वाले कहां गए, चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे बता देता हूं, एक उदाहरण था उससे समझाता तो ठीक है, बता देता हूं ऐसे। आपका मोटिवेशन वो होना चाहिए सेल्फ मोटिवेशन, नंबर एक। सेल्फ मोटिवेशन आपका नहीं है, उसमें आप कमजोर हैं, थोड़े से कमजोर हो रहे हैं, तो आपके मोटिवेशन के लिए आपके आसपास की कोई चीज ढूंढिए। हर बार यहां कोई व्यक्ति आके आपको मोटिवेट करे ये संभव भी नहीं है, क्या हो सकता है। मेरे लिए मोटिवेशन के लिए मेरी दादी से बड़ा मोटिवेशन कोई है ही नहीं। मैं किसी को ऐसे कहूं कि यार इनसे मैं मोटिवेट हमेशा होता रहता था, नहीं, मैं तो दादी की मोटिवेशन से होता था। दादी ने जब मैं 12th किया उस समय मैं STC की फीस भरने जा रहा था, तो फीस नहीं थी, पैसे नहीं थे तो नहीं थे। मेरे पास में प्रूफ इसलिए रखता हूं कि यार लोग कहते हैं यार फेंक रहा है, तो प्रूफ था मैं बता देता। एक बार वो मैंने भेजा था, वो भेजिए एक बार वाला मेरा पुलिस वाला फोटो भी भेजिए। पुलिस में जब 11-12 साल रह गए तो यादें जुड़ी हुई हैं। पुलिस वाले को देखते ही मुझे ऐसे एक करुणा का भाव आ जाता है कि कांस्टेबल को देखते हुए कि यार ये प्राणी कितना दुखी है। हकीकत कह रहा हूँ, पुलिस में भाई कांस्टेबल की जो फील्ड में रहता है उसकी स्थिति वो जानता है या फिर उसका भगवान जानता है।
हाँ कांस्टेबल बन जाओ, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फील्ड के अलावा भी और आप पढ़ सकते हो, रह सकते हो, लेकिन फील्ड में थोड़ी स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है। 13 साल की 12 साल की नौकरी में जब मेरे को एक प्रमोशन नहीं मिला, नहीं पेपर नहीं, इससे पहले एक फोटो था ना। हाँ हाँ ये पीछे 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 पीछे। हाँ आपको कह रहा हूँ सेल्फ मोटिवेट। एक कोई हनुमान यहाँ आके 2-3 घंटे आपको बता के गया और आपको मोटिवेट, ये क्या है? ये है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं कौन बताएगा? ये उत्प्रेरक का काम करता है। कोई सिलेक्टेड पर्सन जब ऐसे आता है तो एक उत्प्रेरक होता है कि वो ऐसे आया, उत्प्रेरक ऐसे डाला और एकदम से क्रिया हुई फिर थोड़ी देर में, तो ऐसे उत्प्रेरक के रूप में होता है। लेकिन आपको अपना खुद का उत्प्रेरक बनना है तो आपके आसपास ढूंढिए, या आपको कोई ताना दे दे कि तू बता आरएस बन गए, और फिर उसको बताए कि ये बना आरएस कितना मजा आएगा, वो हो सकता है आपके लिए। कोई आपको ऐसी कोई टीस लग जाए, लग जाती है लाइफ, कई लोग कह देते हैं ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसको बताओ कि लाइफ में मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, आजा रिजल्ट बताते हैं, मिलेंगे बाद में करके मिलेंगे। वो होता है एक सेल्फ मोटिवेशन। दूसरा, अपनी मम्मी पापा को देखिए, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? मेरे दादी के लिए मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा दादी है। दादी ने कहा तू बढ़िया पढ़, पुलिस में जा, नशा करना नहीं, आज तक नहीं किया, चाय नहीं पीता मैं। उसके बाद में कहा बढ़िया ईमानदारी से नौकरी करो, आज तक ईमानदारी से कर रहे हैं नौकरी। दादी ने कहा बढ़िया पढ़ाई तू कर रहा है कर। मुझे ये है कि दादी को यार एसडीएम बनना था, एसडीएम, दादी को पता ही नहीं एसडीएम क्या होता, उसके लिए सब कुछ बढ़िया, कांस्टेबल था भी बढ़िया है, यूँ तैयारी करता यूँ, अरे तेरे को नौकरी है तो हाँ, मतलब क्यों हम खपे छोड़ दे पढ़ाई, मतलब अभी तेरे पास में नौकरी लगी हुई है तो क्यों मेहनत कर रहा है, क्यों परेशान होता है, आराम से नौकरी कर। मैं नहीं, एसडीएम बनना था, वो मेरे टीस है अभी, देखते हैं कुछ होता है तो। लेकिन फिर भी वीडियो मैंने, हाँ डिप्टी मैंने भरा नहीं था, डिप्टी बन सकता था मैं, आरपीएस मैं बन सकता था, आरपीएस मेरी इच्छा नहीं थी, तहसीलदार मेरी इच्छा इसलिए नहीं थी कि उसमें ग्रेड पे कम है, बाकी थर्ड प्रेफरेंस वीडियो, सेकंड प्रेफरेंस इसलिए वीडियो भरी कि ये थोड़ा समाज से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोगों से है, तो हमसे जितना हो सकता है हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी पॉलिटिकल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है इसमें, फिर भी ठीक है, मैं लकी हूँ कि वहाँ मेरा मामला ठीक चल रहा है, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ। मोटिवेट के लिए आप यहाँ बैठे हो, एक बार खुद सोच लीजिए कि हमारा मोटिवेशन कौन हो सकता है जो हमेशा मोटिवेट करे, आपके सामने आ जाएगा कि हमारा मोटिवेटर कौन है। आपकी मम्मी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी दादी हो सकती है, आपको किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात हो सकती है, उसको रखिए मोटिवेट, वो आपको कंटिन्यू मोटिवेट रखेंगे। हाँ हम बीच बीच में आते रहेंगे, मेरा मौका मिले तो मैं 1-2-4 को तो ये जो टॉपर है ना उनको भी आपके लाके सामने खड़ा करूं कि बताओ भाई आप कैसे टॉप किए, वो ही बताएंगे साहब हम तो ऐसे ही टॉप कर गए। तो एक तो मोटिवेशन का, ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशन का इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? दादी और ये इसके पीछे का और है, मैंने लिखा हुआ, सोमवार था मेरे पास में, उस समय हमारे पास में पापा जी थोड़ी तभी ठीक नहीं रहती थी, उस समय तो लोगों ने पैसे तो दिए नहीं, कौन देगा, जो घोड़ा दौड़ता है उसी पे पैसा लगाता है क्योंकि वो रेस जीतेगा, और जो घोड़ा काम का नहीं है उस पर कोई पैसा नहीं लगाता, उनको पता है यार हार गए रेस, तो उनको पता था यार पापा इसके ठीक ठाक है, इनकी तभी ठीक नहीं रहती थी, पैसे भरेंगे कहाँ, 2006 की बात है, ये कोई मजाक नहीं है, 2007 में उस समय 11,000 रुपये, आज के ज़माने में 11,000 ऐसे कोई खर्च कर देते हैं, कोई शॉपिंग करने गए 11,000 करके आ जाते होंगे इसमें से कहीं, तो उस समय 11,000 बहुत बड़ी रकम थी, आज से 16 साल पहले 11,000 बहुत बड़ी रकम थी, घर में नहीं थे इतने पैसे, तो मैं कहीं कहीं से एडजस्टमेंट किया मैंने। मैं सोमवार को गया, जिला कलेक्टर सुबीर कुमार जी थे, सोमवार को मैं गया, उस समय भगवान की दया से ये है कि प्रभु का पूरा आशीर्वाद हमेशा रहा है, सोमवार को जन सुनवाई थी, बुधवार को मुझे भरना था फीस, बीच में मंगलवार था, इसलिए कह रहा हूँ हमेशा देश दुनिया से अवेयर रहिए। बाहर ही पढ़ता था, मुझे पता था कि जिला कलेक्टर जन सुनवाई करते हैं, जन सुनवाई में गया, मैंने बताया स्थिति, मुझे पूरी याद है, मैं स्कूल ड्रेस में था उस दिन, कमठा बंद था, कमठे पर गया हूँ मैं बाड़मेर में, कमठे मजदूरी की,
बाड़मेर में मैंने, फिर जोधपुर में मैंने लकड़ी का काम किया, दिल्ली में मैंने लकड़ी का काम किया। ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूं कि यार मैं तो रो रहा हूं मैंने कैसे किया और मैं बन गया, वो नहीं बात है। बात यह कि तुम्हारी परिस्थितियां, तुम क्या कर सकते हो वो करो ना। परिस्थितियां किसके नहीं है, सबके साथ परिस्थितियां हैं। कौन है बिल्कुल ऐसे बन गया कि पढ़ा नहीं और खट बन गया, सबकी परिस्थितियां है, अपनी अलग अलग परिस्थितियां है, लेकिन आप में जज्बा है तो बनोगे आप, नहीं तो रोते रहो परिस्थितियों को, रोना बहाने बढ़ाते रहो फिर रोते रहो, नहीं तो निकाल दोगे। फिर पैसे दिए नहीं किसी ने, मैंने कहा मैं कह साहब मेरे पास में है नहीं पैसे और मैं एसटीसी करना चाहता हूँ, मेरा सिलेक्शन एसटीसी में हो गया। कलेक्टर साहब ने कहा, डाइट के प्रिंसिपल थे खेताराम जी, वो वहीं थे, कि फीस कितनी है, 11,250 रुपये फीस थी। ये जो चेक है ना, ये चेक है ना सबसे बड़ा मोटिवेटर, दादी के बाद का जो मोटिवेटर है ये चेक है मेरा। 11,250 रुपये सोमवार को गया हूँ, बुधवार को फीस भरनी है मेरे को। सरकारी सिस्टम में हमेशा अपना भरोसा रहा नहीं, आपका भी कितना गए, किसको लगता है कि एक दिन में काम हो जाएगा, लगता है किसी को? या मेरे पास में वीडियो ऑफिस में कल एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जन आधार के लिए 4-4 महीने घूम रहे हैं लोग, जन आधार नहीं बन रहा उनका, उनके साइन नहीं हो रहे, ये स्थितियां हैं। सिस्टम को अपन दोष दें वो ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह, लेकिन मेरे पास में प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो मैंने कहा यार क्या है, आज सोमवार को पेश हुआ हूं तो बुधवार तक होगी नहीं। मैंने बढ़िया बढ़िया से कहीं एडजस्टमेंट करके पैसे लाया। मैं जैसे ही गया फीस भरने, मुझे डाइट प्रिंसिपल ने कहा, उस समय फोन नहीं थे, उनकी लेट नाइन पे फोन आया कि जो कल एक लड़का आया था उसका चेक तैयार पड़ा है और वो अपनी फीस भरने के लिए चेक ले जाए। मुझे सर ने कहा कि चेक तेरा तैयार पड़ा है। मैं साइकिल की स्पीड जो कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 की स्पीड से गया, जितना मैं भगा सकता साइकिल भगा के गया, चेक लेके आया और चेक से पेमेंट किया। और उन लोगों ने मेरे को पैसे नहीं दिए जिनके पास में पैसे थे, अथा पैसे थे, रिलेटिव थे। तो आप क्या समझते हो आपके रिलेटिव आपके संकट में काम आएंगे, क्या समझते हो? खुद पैरों पर खड़े होइए। हाँ दोस्त हमेशा काम आएंगे, आज दोस्तों की कमी नहीं है, दोस्त हमेशा काम भी आए। मैं एब्सेंट रहा बीच में, नौकरी बीच में एक बार दो बार में बीच में एब्सेंट रहा, या फिर यूएल जो सैंक्शन करवाई उसमें पेमेंट नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है कि पेमेंट जब नहीं मिलता है तो फिर क्या होता पता है? व्यक्ति है ना दिमाग में हमेशा ये लेके घूमता है कि अगले महीने पेमेंट जो मकान किराया है वो कैसे देना है। आपके पढ़ाई बहुत 3 या 4 नंबर पे हो जाती है, मकान किराए वाले वहाँ दयालु नहीं है जयपुर में, क्या कोई नहीं आप पढ़ रहे हो तो ठीक है 2 मिनट बाद देना, नहीं 5 तारीख को खाली कीजिए मकान। तो दोस्तों ने खूब बाद में हेल्प किया मुझे, पैसे भी वापस नहीं मांगे कि यार पैसे दे, या फिर ऐसा कोई इशू भी नहीं रहा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ यार, ये रिलेटिव वगैरह जो होते हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, पर ये सब है ना यार, देखते हैं यार ये पैसा यहाँ लगाऊंगा तो कितना वापस आएगा, या फिर मेरे पैसे लगने से ये नौकरी लग गया तो मेरा क्या होगा, या फिर ये नौकरी क्यों लगे। ये ह्यूमन बीइंग है, सबकी जगह ऐसी स्थितियां हैं। तो स्वयं पैरों पर खड़े हुए अपना अच्छा बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और बेहतरीन कीजिए, ठीक है? ये बात इसलिए मैं बता रहा था। उसके बाद मैंने पैसे भी वापस, वो पैसे जहाँ से लाया था मैं उनको वापस दे दिया। फिर मैं 2-3 दिन बाद में, मुझे उनको पता चल ही जाता है ऐसी बातें कहाँ रुकती है, मैं गया तो मेरे को कहा यार वो कलेक्टर साहब ने तेरी हेल्प कैसे की, हम भी हेल्प करना चाहते हैं। मैंने कहा काहे की हेल्प करना चाहते हो तुम, मैं आया तब तो तुम हेल्प करना चाह ही नहीं रहे। नहीं नहीं हम भी कलेक्टर साहब के पास में किसी को लेके जाना चाह रहे हैं। मैं ले जाओ, किसने रोका, कलेक्टर चैम्बर हमेशा खुला रहता है। ये फोटो है मेरा, इलेक्शन में जा रहा था मैं उस समय का, ये लास्ट फोटो है मेरा वर्दी में। एक मेरे दोस्त है उसमें हम साथ में रहते थे, तो उसने ऐसे खींचा था कि यार इंटरव्यू कॉल तो तेरा हो ही गया, इंटरव्यू देके आ गया, तो हो सकता है ये लास्ट फोटो हो, ये लास्ट ही था। और जब मैं सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मेरा ये फोटो बहुत सर्कुलेट हुआ था कि इस बंदे ने मतलब लत्ती गाड़ दी है। तो ये सर्कुलेट ऐसे हुआ था कि यार इस पुलिस कॉन्स्टेबल ने लत गाड़ दी है, ये लत था ना मेरे पास में। तो ये बातें, ये सब बातें यार अंदर से आ रही है, मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि यार जो है वो है। आपको कोई लगा कि यार मैं फेंक रहा हूँ, सब सबूत है मेरे पास, और मैं कह रहा हूँ परिस्थितियाँ सबके साथ, कईयों के साथ में है ऐसी। तो उसका इलाज क्या है, बढ़िया मेहनत करो, सिलेक्शन लो, सेल्फ मोटिवेट करो। होया इंटरव्यू हो गया, प्री हो गया, मेंस हो गया, समय की वैल्यू हो गया,
समय की वैल्यू, तो समय तो सबको ठीक कर देता है, भलो भलों को ठीक कर दिया। जो तेरा मार्का थे तुर्रम खान समझते थे, उनको ही ऐसे ठीक किया है ना, बिल्कुल लाइन पे चल रहे हैं वो, तो ठीक हो जाओगे तो ठीक है, नहीं तो समय ठीक कर देगा। क्या समझते हो, अभी आपको जो दो तीन साल जो पढ़ाई के मिल रहे हैं, शादी हो जाएगी उसके बाद में देखना कितने मिलते हैं। हाँ, मैं इस मामले में लकी रहा, शादी होने के बाद में मिसेज ने खूब सपोर्ट किया एज ए फ्रेंड, मिसेज एज ए फ्रेंड है मेरी, उसने कभी मेरे को ऐसे पिंच नहीं किया कि क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ो आप। अभी मेंस लिखा था, खैर हुआ नहीं उसका, वो भी कांस्टेबल है, जैसलमेर पहले थी, अभी बाड़मेर है, पर वो हो जाएगा उसका, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। तो मैं कह रहा हूँ शादी होने के बाद में कईयों की परिस्थितियाँ कैसी रहती, क्या रहती है, लेकिन मेरी तो खैर ठीक रही, लेकिन जिम्मेदारियाँ तो आती है, आप खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हो, पीछे और शादी हो जाती है, फिर उनकी कैसे संभालोगे। गर्ल्स के साथ में तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, उनके कोई लिखा हुआ है क्या स्टंप पे कि रोटी यही बनाएगी, बना भाई तू ही बना साथ में, क्या दिक्कत हो रही है, पढ़ रही है तो पढ़ने दे, कपड़े वो धोएगी क्यों, खुद के कपड़े खुद धो, मैंने तो आज तक कभी नहीं दिए मिसेज, मैं मेरे धोता हूँ खुद ही, क्या दिक्कत क्या हो रही है, पूछ लेना कभी यहाँ आएगी तो उसको पूछ लेना कभी कपड़े धोए हो तो, मतलब वो धोती नहीं है वो बात नहीं है, मैं देता ही नहीं हूँ कपड़े, क्यों दूँ, मेरे धो लूँगा, तू तेरा देख, पढ़ाई करता हूँ तेरी, गुड़िया है उसके पास में उसको रखना है। जो ये मतलब क्या कहते हैं, पुरुष होता है ना, इसमें एक ईगो होता है, एक ईगो का लेवल होता है, मतलब मैं धो नहीं रहा हूं तुम्हारे को, ये बता रहा हूं, मेरा बता रहा हूं मैं, तो कोई अपने मन पे दिल पे एक दिमाग पे नहीं ले, इस ईगो तक वो ईगो रखता है ना, इसका ईगो जब तुरंत ठेस पहुंचाती है ना, तो वो फिर कहता है अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बच्चे को क्यों रखूं, क्यों रख, एक बार रख के देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा बच्चे को रखना कितना कठिन होता है। मेरे को मैं जैसे मेरे थी मिसेज, तब ऐसे छुट्टी आया, तब मेरे को कहे कि यार मैं ड्यूटी जाके आते हूँ, गुड़िया को रखो, मेरे अंगुलियाँ ऊँची करा दी उसने, मतलब वो रो रही है ऐसे, मतलब मैं घूम रहा हूँ चलते फिरते, अरे तू रो मत रो, फिर 2 किलोमीटर पर घुमा के लाया वो सोई तब जाके। तो बच्चों को रखना, ये इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है, तो वो कर सकती है तो अपन क्यों नहीं कर सकते, इसका मेरा मोटिव ये है कहने का। 0.5 की वैल्यू, 0.5 की वैल्यू समझ में आ गई होगी, समझाने की जरूरत है नहीं। तो कोई ऐसे सोचे कि यार 20 नंबर का है क्या है, इसको छोड़ देते हैं, तो 20 नंबर का क्या, 0.5 क्या ये वैल्यू है, तो 20 का तो कितना वैल्यू होगा। ठीक है, फोर्थ पेपर बात हो गई, करंट अफेयर पे बात हो गई, 0.5 की वैल्यू की बात हो गई, समय की वैल्यू हो गई, मोटिवेशन का हो गया, कंटिन्यूटी रिविजन टेस्ट सीरीज ग्रुप डिस्कशन वन सोर्स हॉबी कॉपी सब हो गया, परेशानियां क्या है, पढ़ाई में परेशानी, घर पड़ोसी वगैरह वगैरह। ठीक, सुनो, हाँ, एक लोगों की टेंशन ये होती है यार वो क्या कर रहा है, मुझे ऐसे पूछा यार तू क्यों पढ़ रहा है, कैसे किसी कांस्टेबल ने मुझे पूछा यार इतने साल से पढ़ रहा है, मैं कितने साल से पढ़ रहा हूँ कि यार पढ़ ही रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ तो बीए तो सबको करनी होती, मैंने बीए किया है, उसके बाद में एक साल वैसे कुछ किया नहीं, 2 साल मुझे शुरू में टाइम नहीं मिला, यहाँ जयपुर आने के बाद पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा एक बात बता, आप नौकरी कर रहे हो, हाँ मैं कर रहा हूं, हाँ अरे तो मैंने कहा पढ़ रहा हूं तो प्लस हो रहा है ना, माइनस क्या हो रहा है, तेरे को किसने रोका, तू पढ़, सही है कि नहीं है। अब भाई आपको कोई कहे कि यार वो क्यों पढ़ रहा है, भाई तुम्हारे बेटों को किसने रोका, उनको ही पढ़ाओ। तो ये जो नेगेटिविटी होती है, पड़ोसी क्या कहते हैं, या फिर एक और है कि क्या हुआ तेरा, उदयपुर गए हुए तेरे को 2 साल हो गए, क्या हुआ तेरा, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसको कहो भाई मेरा कुछ नहीं हुआ, अब जो होगा मैं बता दूंगा। घर वर्ग जाना, मैंने ज़्यादा मैं सामाजिक समारोह वगैरह में कम ही जाता था, एक झटके में लाइफ चेंज हो जाती है। आरएस में रैंक 76, एसडीएम या बीडीओ या डिप्टी बन गए आप, तहसीलदार बन गए आप, सब समाज के नहीं गए ना आज तक, पाप धुल जाते हैं ऐसे शटाक, ठीक है ना, सब फकीर क्या मतलब, कतई मौज हो जाती। मेरे अभी यहाँ वीडियो आने के बाद में खूब वो क्या कहते हैं ऐसे चलते ही रहते हैं सांप, तो मेरे क्वार्टर पे कभी कोई आओ तो बताऊंगा मैं आपको, डिग लगे पड़े सांपों के। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा टाइम दीजिए, 2 साल अपने लाइफ के दे दीजिए आरएस को, फिर आरएस आपको साल ही साल देगा, मजे करोगे आराम से,
फिर बाकी वो है कि यार ठीक है, रोते मरते कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो फिर तो होगा नहीं, फिर अगली बार देखो, फिर अगली बार देखो। एक इस नियति से मत पढ़ो, आरएस में होगा तो ठीक है, नहीं तो कांस्टेबल में हो जाएगा। अरे तो कांस्टेबल में जाना है या क्यों बैठा है? आरएस में होगा तो ठीक है, नहीं तो पटवारी में हो जाएगा। आपका टारगेट रखो आरएस, आरएस तो है ही है बीच में, हाँ पटवारी की आ रही है, हो रहा है तो ठीक है चले जाओ, लेकिन उसको भूलो मत। अभी आपके प्रश्न लेना चाहूंगा मैं, किसी का कोई भी प्रश्न हो, और मैं कह रहा हूं खुले मन से पूछिए। मैं ये नहीं चाहता कि यार कोई आपका प्रश्न रहे और वो आपको बार बार पिंच करे पढ़ते टाइम, या फिर कोई ऐसे टाइम आए कि वो यार इसका क्या करें, इसका क्या करें। ए से जेड तक बिल्कुल रद्दी से रद्दी प्रश्न हो सकता है, और हाई लेवल का प्रश्न हो सकता है। रद्दी से रद्दी लेवल का प्रश्न क्या होता है? उस व्यक्ति के लिए वो माउंट एवरेस्ट है। कभी होता क्या है कि किसी ने पूछ लिया, कि मैंने पूछा, हाँ बता रहा हूं बात, कि मुझे मैथ में मेरा हाथ थोड़ा तंग रहा, ऐसे आप है ना, कोई ऐसे कर रहा होगा यार ये बना कैसे आ रहे, मैथ इसकी ठीक नहीं, इंग्लिश इसकी ठीक नहीं। स्वीकार करते हैं हम तो, हमारी तो नहीं है ठीक, नहीं है मेरी ठीक, मैथ में नहीं है ठीक, मैं ठीक नहीं हूं, इंग्लिश में भी ठीक नहीं हूं, स्वीकार करते हैं। क्या बात है, क्या दिक्कत है स्वीकार करना, जो कमजोर है उसमें है। तो मैथ में क्या है, एक ये मैं दोस्तों के लिए बता रहा हूं, एक कोई दोस्त साइंस में बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, उसको कॉन्सेप्ट समझ में आए हुए हैं, और एक मेरा साथी जो कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आया, तो उसको समझाइए और जीरो से समझाइए। उसके लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, वो उसका माथा घूम रहा है, आपके साइंस वालों के तो वो घूम ही रहा है सिर्फ, और हकीकत कह रहा हूं आर्ट्स वाले के माथा घूम रहा है वो, उसको समझाइए कैसे घूम रहा है। एक उदाहरण बता रहा हूं कि मेरे को ये जो होता है ना कोष्टक, ये एक और होता है, ये मुझे क्या कि डिस्टर्बेंस करते थे कि यार पहला कौन सा आता है ना ऐसे, फिर बाद में सीख गया। एक मेरा दोस्त था, उसको मैंने कहा यार मैं सिखा, उसने कहा ठीक है सिखा दूंगा, गलती उसके भी नहीं थी, खैर मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा, नाम तो नहीं लूंगा तो उसके बारे में कुछ कहूंगा, बुरा ही नहीं करता ज्यादा मैं किसी की, खैर करनी भी नहीं चाहिए, बुरा जिसका आप बुरा ही करते हो तो फिर वो आपको वापस आती है, ये वातावरण में है ना, ऐसे बोलते हैं ना जो शब्द वो ऐसे फैलते हैं और फिर वो टकरा के अपने वापस आते हैं। उसने कहा यार मैं करवा दूंगा। अब मैं ये लेके गया प्रश्न कि यार ये है ना कोष्ठक हटाना, पता ये बात है उस समय की जब ये मैथ हुआ करता था, और उसने मुझे कहा कि यार तेरे को यही नहीं आता। मेरा तो भाई क्या कहूँ, मेरा मतलब मैंने कहा यार खड्डा क्यों नहीं, मैं अंदर कूद जाऊं। अरे तू मेरा दोस्त है, दुश्मनी है भाई, मेरे को नहीं आ रहा इसलिए तो तेरे को पूछ रहा हूँ, वहां क्लास में पूछू तो छोरे अच्छे कि यार ये कहां से आया, इसको यही नहीं आता, अब तेरे को पूछ रहा हूं तो तू भी कह रहा है कि तेरे को यही नहीं आता। मैंने कहा मैं खुद ही करूंगा मैथ, तो फिर मैथ हट भी गई, हटी क्लास कटा हुआ, उसके बाद में 45 से हम 102 स्कोर भी कर गए। तो अब आप ये कह रहा हूं कि आपका कोई दोस्त है ना, वो उसके लिए मैं कह रहा हूं वो कोष्ठक हटाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए तो ये माउंट एवरेस्ट का प्रश्न है, आपके लिए कुछ नहीं है। अब मैं क्या क्लास में कई बार क्या होता है कि सर यूं प्रश्न लिख रहे हैं, प्रश्न पूरा और उत्तर, प्रश्न पूरा हुआ नहीं और उत्तर दे देते लोग, तो मेरे जैसे का क्या हो, मतलब हृदय दिल दिमाग पूरा ही टूट जाता है यार, कहां हम और कहां ये। हमारा उत्तर तो उस समय आता जब यार आता तब आता, और उनका पहले ही आ जाता, तो सब बराबर नहीं है, तो आप एक दूसरे की हेल्प करो, और जिसके जो प्रॉब्लम्स है वो उसके लिए बहुत बड़ी है। इसलिए कह रहा हूं कि आपका जो प्रश्न है ना, जिसका भी है, कोई रद्दी नहीं है, वो माउंट एवरेस्ट है आपके लिए, तो खुल के खुले मन से प्रश्न पूछिए, कोई हंसेगा तो उसको मैं आगे खड़ा कर दूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से आज का ज्ञान अभी मैं समाप्त कर दूंगा, थोड़ी देर में आपके प्रश्नों को उत्तर देके, आपके प्रश्न जितने हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं इतना ही लिख के लाया था, हो सकता है कि कुछ छूट गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।